और साइंस कॉलेजों में से एक है। रोजगार उन्मुख प्रतिभा तथा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इस संस्थान का मूल मंत्र है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट एंड रिसर्च आदि सभी विषय एक ही प्रांगण में उपलब्ध है। इन तीनों इंस्टीट्यूशन के लिए जो एक हमने टैगलाइन बनाई वो थी एनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट विद होलिस्टिक डेवलपमेंट। एसआईजी के अलावा हमने स्किल रैक से मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग साइन किया जिससे क्लाउड बेस्ड ट्रेनिंग दी जा सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, क्योंकि आज के समय में सारी जो टेस्ट होने वाले हैं बड़े बड़ी मल्टीनेशनल्स के वो ऑनलाइन होने वाले हैं, तो हमारे बच्चों को दोनों चीज़ों में दक्ष होना पड़ेगा, इंग्लिश और एप्टीट्यूड में भी और कोडिंग में भी, और अपने टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाना होगा। इसके लिए हमने बहुत विशेषता ध्यान दिया कि 75% अटेंडेंस हो और एक डिसिप्लिन भी मेंटेन किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी बहुत ध्यान दिया गया। इसका अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कैंपस, खेलकूद एवं मनोरंजन के साधन, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैकल्टीज आदि सुविधाएं IIST के छात्रों को रचनात्मक गतिविधियों के साथ उच्चतम एकेडमिक स्तर का अनुभव कराती है। अक्सर मैं बच्चों से चार लाइनें जरूर बोलता हूँ कि ये क्या कि सूरज पर घर बनाना और छांव तलाश करना, खड़े होना तो दलदलों पर फिर पांव तलाश करना, तो ये संभव नहीं है। आपको अपना भाग्य, अपना नियति स्वयं बनानी है। तो ये बात उनको समझ में भी आ रही है। उनको मैं कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड थॉट पावर के बारे में भी बात करता हूँ उनसे कि आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति है वो है आपकी सोच। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो वही सिग्नल्स आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजेंगे और वो होगा जो आप सोच रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एप्पल, IOS, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, वाटर हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट आदि विषयों के अध्ययन हेतु लैब्स की संपूर्ण श्रृंखला स्थापित की गई है। साथ में AWS एकेडमी, माइक्रोसॉफ्ट इमेजिंग एकेडमी, रेड हेड एकेडमी जैसे संस्थानों के साथ अनुबंध किया गया है जिससे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्र मिलेंगे। स्लाइड बनाई थ्योरी ऑफ नॉन अटैचमेंट वर्सेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो अमेरिकन प्रणाली की देन है और थ्योरी ऑफ नॉन अटैचमेंट हमारी आध्यात्मिक अस्मिता है, हमारी धरोहर है। अगर हम अपना कार्य बिना किसी परिणाम की आशा के करें, पूरी दृढ़ता के साथ, सघन कर्म के साथ, वर्तमान में रहते हुए, इसमें एक और बात आ रही है कि किसी भी कार्य की सफलता तब है जब हम उस कार्य को होशपूर्वक करते हैं, वर्तमान में रहते हुए करते हैं। ये एक नया कंसेप्ट नहीं है, सभी ने इसको कहा है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि मन रे जागत रहियो भाई, जागते हुए कार्य करिए। गौतम बुद्ध ने भी कहा और महावीर स्वामी ने भी कहा। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, सुत्ता अमुनि असुता मुनि, जो सोया हुआ है वो अमुनि है, जो जागा हुआ है वो मुनि है। तो जागते हुए काम करिए और जब आप जागते हुए होशपूर्वक कार्य करते हैं तो उस कार्य की सफलता निश्चित है, फिर आपको परिणाम की आशा नहीं करनी पड़ती। आज श्री भटनागर साहब के तत्वावधान में IIST में पर्यावरण एवं ऑर्गेनिक फूड के महत्व को छात्रों में प्रसारित करने के लिए ग्रीन वेव क्लब की स्थापना की गई है, जहां छात्रों द्वारा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को 9 एकड़ की भूमि में उगाया जाता है तथा बहुत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान हर वर्ष किया जा रहा है। दूर दराज के गांवों के जो बच्चे हैं वो मेरा बहुत बड़ा सपना है कि वो लोग यहाँ पे आए और वो जो डिफरेंट तरीके के संस्कार लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अध्यात्म में भी जुड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने संस्कार के हिसाब से काम करता है। ही इज प्रिजनर्स ऑफ हिज संस्कारास, जो उसको एजुकेशन ने दिए हैं, कंडीशनिंग ने दिए हैं, उसके माहौल ने दिए हैं, उन संस्कारों को हमें बदलना है, अच्छे संस्कारों का। जैसे मेज पर धूल जमी है तो उसमें मेज का क्या दोष है, उस धूल को अगर हम साफ करें तो मेज भी क्लीन, हर मेज क्लीन है। तो हर बच्चा जो विभिन्न परिस्थितियों में यहाँ पर आ रहा है, हमारे लिए वो हर व्यक्ति, हर बच्चा अपने आप में एक यूनिट है जिसको हमें डील करना है और उसको उसी के हिसाब से अनुरूप उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना है।
तो सारे उन सारे पेरेंट्स जो दूर दराज के गांव में हैं, जिनकी इनकम नहीं है इस लायक कि उनके बच्चे पढ़ सकें, और पर लेकिन उनके बच्चों में अगर योग्यता है तो ये निश्चित है कि उनको वही प्यार मिलेगा, उसी तरह का उनको यहाँ माहौल मिलेगा जिससे कि वो अपने को बना सके। छात्रों को शिक्षा के उपरांत एम्प्लॉयमेंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट के नजरिए से IISTE का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी से सुसज्जित है। टीना मैडम प्लीज स्टार्ट द इवेंट। शुरू करें नीना। यस सर। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। आई एम डॉक्टर नीना ठक्कर ऑन बिहाफ ऑफ ISTE-IMR IP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू वेबिनार on digital pedagogy and teaching learning using ICT tools. The main objective of today's training program is to develop innovative teaching strategies that enrich learning and to float a progression of pedagogy and various skills enhancements, tactics to stand out in the competitive professional environment. For that, we have with us chief guest of the day, Honorable Vice Chancellor, DAVB Indore, Professor Renu Jain Ma'am, and Honorable Chairman, ISTE-IP-IMR, Mr. Roshan Agarwal, sir, Honorable Director General, ISTE-IP-IMR, and today's one of the keynote speakers, Sri Arun S. Nagar, sir, guest of honor, Professor Anil Sharma, sir, Registrar DAVB Indore, Mr. U.K. Jha, sir, Principal Choitram, North Campus, and Chairperson, Indore Sahyadev Schools, and Dr. Rajesh Sharma, sir, Principal Bal Bhavan School, Bhopal, and President Sahyadev Group of CBSE, Bhopal. Today's keynote speaker, Professor Niranjan Srivastava, sir, Head Computer Center, DAVB, Indore. Principal IIP, Dr. Dinesh Mishra, sir, Principal IIMR, Dr. Simranjit Sandhar, ma'am, Principal ISTE, Dr. Keshav Patidar, sir. Participants, faculty members, we welcome you. We believe in holistic development of the students that can only be achieved through integration of extracurricular activities with academics. And for that, a zestful event Pratim Pragya Pratispada is organized every year, in which there is a successful participation of your school students in the various competitions like debate competitions, innovative science model competition, PPT competition, an inter-school sports competition, in which total number of school participations were more than 250 last year. Now, we would like to present a short video on the active participation made by your school students. Video, please. Thank you.
Now, it's my honor to introduce Honorable Chairman, ISTIP-IMR, Mr. Roshan Agarwal, sir, a respected humanitarian and a serial entrepreneur, has finished his schooling from a premier school of Kanpur and thereafter has gone to UK and completed post-graduation in management from Cardiff University,
At a very young age, Sara has joined the family business and is working very closely with various group companies, which are into polymer films, packaging, hospitality, and renewable energy. Please may I request Chairman Sir to welcome the Chief Guest and audience. Sir, please. Good morning, everyone, and thank you, Dr. Nina Thakkar. Good morning to everyone who's present today on this mega event. I welcome His Excellency, Honorable Vice Chancellor, DAV University, Indore, Professor Dr. Renu Jain, our guest of honor, Professor Anil Sharmaji, Registrar, DAV Indore, Mr. UK Jha, Principal, Choitram School, North Campus, and Chairperson, Indore Sahodaya School Campus, Dr. Rajesh Sharma, Principal, Balbhavan School, Bhopal, and President, Sahodaya Group of CBSC, Bhopal. Our expert speakers for the day, Sri Arun S. Bhatnagar, DG Sir, and Dr. Niranjan Shivastav, Head Computer Center, DAV Indore. Today, it gives me immense pleasure to welcome you all on this mega event of digital pedagogy and teaching learning using ICT tools. I hope, first of all, everyone is taking care of themselves in these difficult times. Today, as we are witnessing so many changes because of COVID experiencing, so we even see that the education today has to take a tremendous turn. Ladies and gentlemen, in this scenario of education system, it has changed altogether. From vast classrooms and playgrounds, it has now come to a handy device, which brings a challenge not only for the students, but as well as to the teachers, principals, and all the academicians as how to improve the level of teaching. So, to update ourselves with this advancement of technology, it is the need of the hour. And to offer digital pedagogy and ICT tools, I think the best way any institution can do is part of a social responsibility towards the school teachers who are responsible to bring and build a strong foundation and leads to happy and more productive learning. As you would have seen in the video which was just played a while ago, 3 years back, we evolved a term called Evolve Better. We have been trying to evolve ourselves on a daily basis on the latest updates using the technology, and our DG Sir, Sri Arun S. Bhatnagar, has always led on the forefront of using all the basic tools available and making teaching very easy for all the teachers, principals, and all the professors involved. I strongly believe that an institution in today's age can only remain excellent if it constantly keeps on recognizing that it has to evolve better and do even better. The high levels of commitment and the great deal of compromise and flexibility have made this institute under the leadership of Sri Arun S. Bhatnagar what it is today. In 3 years of time, we have seen tremendous changes and upliftments towards holistic upliftments towards one and all, be his soft nature, his skills, and his way of bringing everyone together on the common platform. Thank you, Arun sir. Furthermore, I would also take this opportunity to express my deep appreciation to each and every faculty involved, all the professors and all the staff of IST, IIP, IMR, and IIP who have been working tirelessly during this COVID times and making sure that all the students are made available of this online platform teaching. To sum it up, it is a wonderful opportunity for every academician and all the researchers to learn through our eminent speakers who will talk today on digital pedagogy and teaching learning using ICT tools. I once again welcome everyone on this mega event. Thank you. Thank you, sir. Now, it's my honor to introduce Dr. Renu Jain Ma'am, Vice Chancellor, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. After obtaining her BSc and MSc Mathematics degrees from GYT University, Gwalior, she was awarded UGC Junior Research Fellowship for pursuing her PhD in Mathematics. She joined Jawaharlal Nehru University, Gwalior, as a lecturer in 1985 and subsequently elevated to the post of professor in 1998. At present, she is Vice Chancellor, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore. MP, under her leadership, DAVB has been accredited with A+ grade by NMAC. The research interests include D-theory and special functions, functional calculus, and mathematical modeling of biological and ecological systems. The appreciation received in the form of awards, to name few, are: in 1989, she was awarded Nehru Centenary British Fellowship for working as a postdoctoral fellow in Imperial College London for 1 year.
She has supervised 24 PhD and around 40 MPhil scholars so far. She has authored over 80 research papers published in various journals and proceedings. She has also organized and delivered lectures in several conferences, symposia, and workshops. She is a life member of academic society like Indian Mathematical Society for special functions and applications. At present, Dr. Jain is member editorial board of Vikram Journal of Mathematics, Vikram University, Ujjain, executive member of Vijnana Parishad of India, and president of Gwalior Academy of Mathematical Sciences. She also reviews several national and international journals and is also an active member of NAC, your team for colleges. Yeah, please may I request ma'am to address the audience, please. Can you hear me? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Respected Dr. Roshan Agrawal, Chairman, Group of Institutions, IIST Group of Institutions, Dr. Arun Bhatnagar, Director, IIST, Dr. Anil Sharma, Registrar, Devi Ella Vishwavidyalaya, Dr. Niranjan Srivastav, Head Computer Center, and today's keynote speaker, all distinguished panelists, and all the senior participants. At the outset, I congratulate the organizers to arrange the webinar cum workshop on such an important and relevant topic, namely digital pedagogy and teaching learning using ICT tools. I also take this opportunity to welcome all the participants who are mainly senior faculty members in our schools. I am sure that this webinar shall enable them to adopt and integrate ethically appropriate digital and ICT enabled pedagogy in teaching learning processes and will also help in capacity building for transforming the educational culture and teaching learning system of the institutions. As we are all aware that during the past couple of months, our planet has entered into a public health crisis of unprecedented magnitude and intensity. More than 10 million people have been infected with the coronavirus all over the world. The impact of this pandemic on the economy and society is yet too great to be estimated. India has been fortunate that through the early imposition of a lockdown by the central government, we have been able to escape the avalanche of early infections. However, with more than 10 lakh cases in the country, the danger is far from past. The impact of the virus on Indore city has been particularly severe. The economic and social fallout of the lockdown has already been catastrophic in its impact of local businesses, daily wage earners, and millions of people who stand to lose their livelihoods. In this way, the pandemic COVID-19 is creating a paradigm shift that is realigning every system in every industry across the globe at once. By the paradigm shift, we mean an important change that happens when the usual way of thinking about or doing something is replaced by a new and different way. This word was first used by Thomas Kuhn in his seminal book, The Structure of Scientific Revolutions. Paradigm shifts arise when the dominant paradigm under which normal science operates is rendered incompatible with the new phenomena, facilitating the adoption of a new theory or paradigm. Although his definition now applies to any established system, whether scientific, governmental, socio-economic, or way of thinking. The education sector is also similarly battling with the effects of the lockdown. The schools, once bubbling with the students' presence, are now calm and silent. This break has come at a critical juncture for all those students who are on a threshold, for example, classes 10th and 12th, final semester of graduation and post-graduation courses. Those who are set to enter their careers with a job need to complete their academics to meet the statutory requirements. In our present world, technology is possibly the greatest agent of social change. Accordingly, the new sessions have been started in an altogether different manner. The teaching on black or white boards has been replaced by online teaching. In most of the advanced universities and institutions, the whole session will be held online. All project vivas, assignment tests, will be done through remote centers. Several softwares have been developed
which will serve as invigilators by recording every movement of the examiners. Many experts predict that this crisis will trigger a tectonic shift in the sphere of higher education with the emerge of digital models, which combine the best of physical classroom education with digital learning tools. Institutions will be challenged in the coming years to evolve to this new teaching learning paradigm, which can have profound implications for the enrichment of the students. Holistic development ke liye kaam kar rahe hain, aur I like the line evolving better. You are evolving every day, you are evolving better. So in this way we are having a competition with our own. कहा जाता है किसी की नकल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप से कंपटीशन रखना चाहिए. इसी तरह से हम लोग क्रिएटिव और इनोवेटिव हो सकते हैं. तो इन सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और सभी टीचर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी पैनलिस्ट का, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आपको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने यहाँ आने का मौका दिया. और सभी पार्टिसिपेंट से बस यही कहना चाहती हूँ कि संकट के समय को हम लोग एक अवसर के रूप में देखें और नए से नए इनोवेशंस करें, नए से नए रचनात्मकता दिखाएं, और इसके साथ ही बहुत आगे तक पहुंचें. आप लोगों के जो डिबेट का मैंने देखा वो भी स्तर बहुत अच्छा था. मैं एक बार फिर से आपको बधाई देती हूँ, और बस दो लाइन कह के अपनी बात खत्म करती हूँ. इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा. धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. It gives me immense pleasure to introduce Honorable Director General Shri Arun S. Bhatnagar Sir. Sir, पिछले 45 वर्षों से कार्यरत है. 1975 में असिस्टेंट प्रोफेसर, तदुपरांत 1983 में IRS ज्वाइन कर देश के विभिन्न भागों में संवेदनशील पदों पर कार्य किया. IIM बैंगलोर से मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से कोर्सेज किए. ऑस्ट्रेलिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्य प्रणाली को समझकर उसे लागू करने में पहल की. बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सम्मानित तथा अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण बैच में सुपरसीड किया और रॉ में डेप्यूटेशन पर भी कार्य किया. 2015 में दिल्ली से प्रधान आयकर आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए. तदुपरांत 2017 तक कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस डेवलपमेंट व मार्केटिंग हेड के रूप में कार्य करके दिसंबर 2017 में ISTE ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर जनरल बने तथा केवल 2.5 वर्षों में 300% से अधिक ग्रोथ करने के कारण कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री के अवार्ड से उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया. एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ छात्रों के साथ 1:1 इंट्रैक्शन तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है. मेडिटेशन व पोएट्री में विशेष रुचि है सर की. May I request DGSIL for today's technical session on digital pedagogy. Sir, please. Thank you, Dr. Neena. Welcome, Dr. Renu Jain, ma'am, once again, and all the guests of honor. आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन. यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकों और प्राचार्यों को मेरा सादर नमन, क्योंकि आप ही इस देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आधार स्तंभ प्रदान कर रहे हैं. एक ऐसी नींव जिस पर हमें आगे की मंजिल का निर्माण करना है. हमारे वेदों में जब गुरु की व्याख्या की गई है तो उसका एक श्लोक है, गुशब्द असत्व अंधकार, ऋषब्द अस्तु तन्निवार का अंधकार निरोधत्त गुरु रत्याभिधीयते. जीव गुरु माने अंधकार, डार्कनेस, रू माने डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस. तो टीचर इज नॉट ओनली ए पर्सन टीचिंग इन ए स्कूल टू द स्टूडेंट टू रीड एंड राइट, बट ऑल्सो वन हु गिव्स इनसाइट इन टू लाइफ एसेंशियल्स. इसलिए इग्नोरेंस को हम डार्कनेस से कंपेंस कर सकते हैं, तो जो डार्कनेस को दूर करे वो गुरु. इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि गुरु और शिक्षक में अंतर है. Teacher is a quantitative expansion of the personality and guru is a qualitative expansion of the personality. Guru is like GPS, guru positioning system, जो आपको रास्ता दिखाता है. तो आइए आज के कंटेस्ट में बात करें. तो टीचिंग को अगर हम परिभाषित करते हैं तो टीचिंग इज अ प्रोसेस
intended for learning by inducing a behavioral change in the taught. And pedagogy, को अगर हम बहुत आसान भाषा में समझें, तो it is an art or profession of teaching. इस pedagogy शब्द का जो विकास हुआ उसके पहले हमें ये देखना है कि आज की जो जनरेशन हमारे स्टूडेंट्स की आ रही है स्कूलों में उसकी विशेषता क्या है. तो मोबाइल का क्लासरूम में ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई एनवायरनमेंट के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, यूट्यूब पर अक्सर वो घूमते हैं, ब्लॉग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, फेसबुक और लिंक्डइन में एक्टिव हैं, वेब डेवलपमेंट वेब मटेरियल को डाउनलोड करते हैं. तो ये सब आजकल के स्टूडेंट्स के लक्षण. अब इन्हों में इस सब को ध्यान में रखते हुए और जो चैलेंजेस स्कूल के सामने हैं, हमें अपनी पैडागॉजी तय करनी. तो वह पैडागॉजी का अर्थ क्या है? पैडागॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पैडोस जिसका मतलब है बॉय चाइल्ड एंड अगोगोस मींस लीडर. एक स्लेव हुआ करता था जिसका नाम था पैडागोगोस, जो बच्चों को लाता था और पढ़ाता था. उसी से पैडागॉजी वर्ड का उत्पत्ति हुई और आज इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि द मैथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग ऑफ एन एकेडमिक सब्जेक्ट इज पैडागॉजी. लेकिन मात्र टेक्निकल डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना ही पैडागॉजी नहीं है. जब हम पैडागॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो तीन चीजें पुरानी हैं, समझनी होंगी. पहला, इट इज अबाउट यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी थॉटफुली. नेक्स्ट स्लाइड. इट इज अबाउट यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टूल्स थॉटफुली. इट इज अबाउट वेयर नॉट टू यूज दीज टूल्स. ये भी हमें सोचना है कि हमें इन डिजिटल टेक्नोलॉजी को कहां यूज करना है. इसके साथ साथ हमें यह भी एवेल्युएट करना है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को अगर यूज कर रहे हैं तो उसका हमें लाभ क्या मिले. अभी के जो लेटेस्ट प्रमिनेंट एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, उन्होंने कहा कि सम आर्ग्यू दैट जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन योर टीचिंग, इट डज नॉट मीन दैट यू आर प्रैक्टिसिंग डिजिटल पेडागॉजी, स्पेशली इफ यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन पेडागॉजिकल चेंज. तो दोनों चीजों को हमें साथ साथ समझना होगा. पेडागॉजी में चेंज करना है और साथ साथ कौन सा डिजिटल टूल हमें इस्तेमाल करना है, ये बहुत जरूरी है. आइए इसमें विचार करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी. आज नई पेडागॉजी की जरूरत क्यों है? क्योंकि आज की सोसाइटी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है और इतना नॉलेज का इन्फ्लक्स है, बाढ़ आई हुई है नॉलेज की, कि उसको नॉलेज को मैनेज करना है. तो न्यू डिमांड्स ऑफ ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी. दूसरी आवश्यकता है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के बाद, सेकंड एजुकेशन फैक्टर जो है वो यह है कि 21st सेंचुरी में जो हमने नॉलेज इकट्ठी की है उसको कैसे इस्तेमाल कर, क्रिटिकल थिंकिंग में, इंडिपेंडेंट लर्निंग में. तीसरा यह है कि जो हमारे एजुकेशन प्राप्त कर रहे स्टूडेंट हैं वो उसको आगे थ्रू आउट द लाइफ दे शुड बिकम ए लर्नर, बिकॉज सीखने की कोई सीमा नहीं है, निरंतर व्यक्ति को सीखना है. पहले मैं कहा कहता था कि एवरी डे इज ए न्यू लाइफ फॉर ए वाइज मैन, अब मैंने उसको रिवाइज करके कह दिया कि एवरी मोमेंट इज ए न्यू लाइफ फॉर ए वाइज मैन, निरंतर हमको सीखना. तो ये तीसरा कारण है कि हमें उनको दक्ष करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही और वो जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उससे जूझना चाहते हैं, तो उनको हमें सिखाना हो. तो टेक्नोलॉजी उनका हिस्सा है, तो अगर वो स्कूल लेवल से ही इसमें दक्ष हो जाते हैं तो आगे चल करके वो अपने चुनौतियों का सामना कर पाएंगे. दूसरा, इतने तेजी से नई नई टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, सोशल मीडिया है, मोबाइल डिवाइसेस हैं, कि हम उससे अछूते नहीं रह सकते, इसलिए हमें इसको अपनाना ही होगा, ये हमारा कंपल्शन है. तो पैडागॉजी को टेक्नोलॉजी से इसका इस्तेमाल करना ही होगा.
लेकिन हम आगे इस पर चिंतन करेंगे कि इसके प्लस और माइनसेस क्या है। दूसरा, एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस हुआ कोरोना का, उसके कारण हम सब लोग बाध्य हो गए कि ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाएं। इन सब ने इस डिजिटल पेडागोजी को एक नया आयाम दिया और हम इस बात पर सोचने में मजबूर हो गए कि क्या हमें इसे लागू करना है, अगर लागू करना है तो कैसे लागू करना है, क्यों लागू करना है और कहां लागू करना है। आइए इन प्रश्नों के उत्तरों पर विचार करें। तो डिजिटल पेडागोजी को अगर हम परिभाषित करें तो ये एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं, उससे पहले दिखाइए एक, ये जो नेक्स्ट स्लाइड आपके आने वाली है ये फ्यूचरिस्टिक मॉडल की बात करती है। फ्यूरिस्टिक मॉडल क्या है? फ्यूरिस्टिक वर्ड है डिस्कवर से बना। फ्यूरिस्टिक अलाइंग स्टूडेंट्स टू लर्न बाय डिस्कवरिंग थिंग्स बाय देमसेल्फ रादर देन बाय टेलिंग देम थिंग्स। तो आगे की जो फिगर स्लाइड है वो पेडागोजिकल अपॉर्चुनिटीज जो हमारे सामने उपलब्ध हैं बिकॉज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसको हमने नाम दिया है, एक बुक आई है उसमें उसको नाम दिया है अफोर्डेंसेस, उस बुक का रेफरेंस है, जो हमें अपॉर्चुनिटीज बता रही है कि ये अपॉर्चुनिटीज हमें अवेलेबल हैं। तो ये ह्यूरिस्टिक जो ग्रीक वर्ड है कि टू डिस्कवर, हमारे स्टूडेंट्स को एक पूरा क्षेत्र मिला हुआ है डिस्कवर करने के लिए, वो क्या क्या क्षेत्र हैं उन पर विचार करते। तो पहला है ये देखिए, 8 अफोर्डेंसेज हैं, 8 अपॉर्चुनिटीज हैं। इसमें पहला है यूबिक्यूटस लर्निंग। जैसा आपको बहुत अंदाजा है इसके बारे में कि ये सर्वत्र है, इसको हम अगर बहुत आसान शब्दों में कहें सर्वव्यापी है। लर्नर कैन एक्सेस लर्निंग स्पेसेस एंड कंटेंट एनी टाइम एनीवेयर। इट एक्सटेंड्स द एक्शन स्पेस फॉर लर्निंग, ब्लरिंग द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम। इट डिफाइज ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू कोलेबरेट एंड क्रिएट। इससे आपका परिचय है, सारे मोबाइल्स पर उपलब्ध है और जब आप नेटवर्क पर जाते हैं तो क्लाउड के माध्यम से भी हम इसको देख सकते हैं। कंप्यूटिंग का मतलब यूज ऑफ कंप्यूटर्स, तो यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग ये बहुत कॉमन है और जिसको सारे छात्र आज यूज कर रहे हैं। दूसरा आता है एक्टिव नॉलेज मेकिंग। एक्टिव नॉलेज मेकिंग से पहले हमें यह देखना होगा कि, इस पर हम दोबारा आते हैं, पहले यह देखें कि पैसिव नॉलेज क्या होती है और एक्टिव नॉलेज क्या होती है। व्हाट इज पैसिव नॉलेज? पैसिव क्या है? पैसिव नॉलेज क्या है? से पहले वाली स्लाइड दिखाइए। पैसिव नॉलेज क्या चीज होती है? पैसिव नॉलेज है वी कैन लिसन द वर्ड एंड अंडरस्टैंड। लाइक कोई वर्ड बोला गया, उसको आपने समझा, ये पैसिव नॉलेज हुई। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा है एक्टिव नॉलेज। यू कैन रिकॉल एंड यूज द वोकैबुलरी अप्रोप्रिएटली इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस। इसको मैं और भाषा में समझाता हूं। मैं आपको 5 रुपए का नोट दिखा रहा हूं, जैसे मैंने कहा 5 रुपए का नोट आपको ध्यान आ गया, आपको मैंने कहा ये 5 रुपए का नोट मुझे दिखाइए, आपने 5 रुपए का नोट आपको मैंने दिखाया, आपको समझ में आ गया इसमें क्या लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 10 रुपए के नोट में क्या क्या लिखा है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो एक्टिव में क्या होना है कि एक्टिव में सर्कमस्टांसेस को जानते हुए आपको वर्ड्स को तलाश करना है। पैसिव हम लोग जैसा यूज करते हैं, कोई वर्ड है मैं उसका अर्थ मालूम। तो इससे पहले स्लाइड में मैंने बताया कि आज साइकोलॉजिस्ट ये बात मानते हैं कि 2 तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं।
One is passive learning and other is active learning. The idea is there, there is a difference. How we process new information from a spectator's point of view and how we use new knowledge as an actor and performer. Needless to say, that former passive form of learning is much easier for most people than the latter active type. Just as we feel much more comfortable watching a show than actually performing in it. तो आज जो जरूरत है वो active knowledge making की है. जब active knowledge making tools का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो it is giving a chance for learners to build their understanding of the topic being taught rather than just telling them what it is. तो आज interactive technology के माध्यम से which allows two-way flow of information through an interface between the user and the technology. The user usually communicates a request for data or action to the technology. And with the technology returning the requested data or result of the action back to the user. तो ये जो interactive technology है, इसके माध्यम से आज active knowledge making tool का इस्तेमाल किया जा रहा है. बहुत सारे आपको जैसे मालूम ही है कि देर आर सो मेनी लर्निंग स्टाइल्स. विजुअल है, ओरल है. विजुअल जहां पे हम पिक्चर्स दिखाते हैं, ओरल ऑडिटरी एंड म्यूजिकल है. वर्बल जहां हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. लॉजिकल जहां मैथमेटिक्स का प्रयोग हो रहा है. सोशल जो आप ग्रुप में सीखते हैं. सॉलिटरी जो इंट्रापर्सनल लर्निंग स्टाइल है. एक फिजिकल है जिसको कंस्थेटिक लर्निंग बोलते हैं, जहां पे हम स्टूडेंट्स को फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा समझाते हैं रदर देन लिसनिंग टू ए लेक्चर. एक नया स्टाइल और आ गया नेचुरलिस्टिक. यहां पे क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ थ्योरी विल टेक देम टू द सराउंडिंग्स आउटडोर्स एंड ड्रॉन टू वर्किंग विद द नेचर. तो ये 8 तरह के लर्निंग स्टाइल हैं. हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें क्या है कि हम उनको एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी में दक्ष करें, पैसिव में नहीं करें. ये बहुत सारी एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज हैं. गेम बेस्ड रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग, 3 स्टेप्स इंटरव्यूज, द पॉज प्रोसीजर, द मडियस पॉइंट टेक्निक, द डेविल्स एडवोकेट अप्रोच, पीयर टीचिंग एक्टिविटीज, रोटेटिंग चेयर ग्रुप डिस्कशन. इन सबके पीछे मूल उद्देश्य क्या कि वो सर्कमस्टांसेस को समझते हुए, चैलेंजेस को समझते हुए लर्न करें, एक्टिव लर्न करें. एक्टिव इसको कहेंगे एक्टिव नॉलेज मेकिंग. इसमें बहुत सारे टूल हैं जिसके बारे में प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब आपको डिस्कस करेंगे, जहां पर हम एक्टिव नॉलेज मेकिंग टूल्स का इस्तेमाल करके पढ़ाई करेंगे. इसमें एडमोडो बहुत सक्सेसफुल है. नेक्स्ट, तीसरी चीज आती है मल्टी मॉडल मीनिंग. दो चीजें अब तक हमने सीखी, यूबिक्यूटस लर्निंग एंड एक्टिव नॉलेज मेकिंग. तीसरा जो आजकल बहुत कॉमन है और जो भविष्य में है, आने वाला है, वो मल्टी मॉडल लर्निंग है. आज ये संभव हो पाया है डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि हम इमेजेस के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, वीडियोज के द्वारा और इंटरेक्टिव और इमर्सिव एनवायरनमेंट के साथ, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ लोगों को समझाएं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में मैं गुड़गांव गया तो वहां पर उन्होंने ये ऑगमेंटेड रियलिटी का मॉडल लगा रखा है. मसलन जैसे हम लोग जानते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स को एक ह्यूमन बॉडी को करना, पूरा देखना पड़ता है, डायसेक्ट करना पड़ता है, तो उसकी जगह वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग हो रहा है जिसमें ह्यूमन बॉडी है आपके सामने वर्चुअली है और आप उसको, उसका एनाटॉमी पूरी समझ सकते हैं, कहां स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहां लार्ज इंटेस्टाइन है. तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट गया, उसने उसको पूरा बारीकी से एक एक चीज बाहर निकल के आपको लगेगा जैसे कि आपके सामने रियल रियलिटी है. उसके बाद फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आया, ना तो डेड बॉडी की आवश्यकता है,
तो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हम उस सिचुएशन को क्रिएट करके, आप समझिए इसका कितना विशद प्रयोग हो सकता है। आज सारे स्कूलों में कमोबेश 3-4 सालों में हमें इसका यूज करना ही पड़े। इसी का थोड़ा सा अधिक वर्जन ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो इसके माध्यम से हम अपनी बात समझा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल। तो मल्टी मॉडल के द्वारा, डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत फर्क पड़ने वाला है पेडागॉजी। नेक्स्ट, चौथी आती है फॉर्मेटिव फीडबैक और रिकर्सिव फीडबैक। आप फॉर्मेटिव फीडबैक से वाकिफ हैं, जब आप लेक्चर देते हैं तो उसके बाद जो फीडबैक है, आप इसके आगे समेटिव फीडबैक से वाकिफ हैं, जो मिड टर्म एग्जाम वगैरह होते हैं उससे आपको पता लगता है कि स्टूडेंट कितना सीखे। लेकिन इससे भी ज्यादा आगे जो आज की टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कर रही है वो है रिकर्सिव फीडबैक। आज ये बात कमोबेश सारे एजुकेटर्स मानने को तैयार हैं कि फीडबैक इज ए वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो रिकर्सिव फीडबैक क्या है? जहां ट्यूटर को यह पता लगता है कि जो उसका शिष्य है, वो जिसको उसने पढ़ाया है, वो क्या कर रहा है और लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है। इसको कहते हैं कि वाइडली जो हमारा समेटिव असेसमेंट है, जो आप करते हैं मिड टर्म एग्जाम वगैरह, वो रिट्रोस्पेक्टिव है कि उस स्टूडेंट ने कितना पढ़ा और आपने उसको कितने मार्क्स दिए। जजमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग है, लेकिन उसका असर आगे पिछली पढ़ाई पे कुछ नहीं पढ़ने वाला। अब तो आगे जो होगा वो देखा जाए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से लर्निंग एनवायरमेंट्स एंड डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेस हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है जो हमें फीडबैक भी मिले और फीड फॉरवर्ड भी मिले। तो वह पढ़ाने की यात्रा के दौरान ही आपको फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और उसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो रिकर्सिव फीडबैक को भी हमें इस्तेमाल करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि अगर आपको पढ़ाने के दौरान ही समझ में आ जाए कि क्या चेंजेस लाने हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये न्यू जनरेशन ऑफ असेसमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग कंटिन्यूअस मशीन मेडिटेटेड ह्यूमन असेसमेंट फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव। आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं, स्वयं की बात देख सकते हैं, पेरेंट से पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, एंड मशीन फीडबैक सेलेक्टेड एंड सप्लाई रिस्पॉन्स असेसमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सब के माध्यम से हम फीडबैक ले सकते हैं। एंड मोरओवर स्टूडेंट वर्क कैन आल्सो भी असेस्ड। जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं उसको भी आप असेस कर सकते हैं थ्रू डाटा माइनिंग टेक्निक्स, एनालाइज कर सकते हैं एज इंडिविजुअल प्रोग्रेस, या उनको कंपेयर कर सकते हैं अपने साथियों से। और स्टूडेंट्स आर आल्सो ऑफर्ड, उनको भी हम कह सकते हैं जस्ट इन टाइम फीडबैक, भी देखो तुम ऐसा काम कर रहे हो, ये फीडबैक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, और देयर असेसमेंट। तो ये यात्रा के दौरान, हमारी जो शिक्षा यात्रा है, जो पढ़ाई है, जो व्यवस्था है, उसके दौरान ही हमें रिकर्सिव फीडबैक मिल रहा है और हम निरंतर इम्प्रोवाइजेशन करते जा रहे हैं अपने पढ़ाने के तरीके में और उसको बताने के तरीके। बहुत सारे इसमें टूल अवेलेबल हैं, श्रीवास्तव साहब बताएंगे, जैसे प्रेजी है, हैकुडेक है, बहुत है रिकर्सिव फीडबैक। इसके बाद जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो फ्यूचर में आप सबको, हम सबको मिलकर करना है, वो है कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस। आज वो समय नहीं रह गया कि हम अकेले चलें। आज डिजिटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ कोलैबोरेटिव नॉलेज नेटवर्क्स टू प्रमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द वर्क ऑफ कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस। Educational environment of collaborative intelligence foster dynamic opportunities for learning communities to collectively create, refine and share knowledge products that embody more authentic process of human learning. Aaj web-based social networking ke madhyam se learners or teachers, students and teachers, log ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कोलैबोरेशन एट ऑल लेवल्स। ग्रुप साइज भी आप डिसाइड कर सकते हैं, पर्पस भी आप डिसाइड कर सकते हैं।
So learners are no longer restricted to forming collaboration with just their peers in a course. आप स्कूल के बाउंड्री से बाहर निकल सकते हैं, एक स्कूल दूसरे स्कूल से कोलैबोरेट कर सकते हैं, इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन हो सकते हैं, इवन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो सकते हैं। आज क्लाउड ने आपको वो सुविधा दे दी है कि आप जिस चाहे से जुड़ सकते हैं। डिस्कवर कंटेंट कि आजकल हो क्या रहा है, आप यकीन मानिए कि इतना ज्यादा रिसर्चेस हो रही है नए नए तरीकों में पढ़ाने के, कि अगर हमने अपने सोचने में और अपने तरीके में बदलाव नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाए। आज जरूरत इस बात की है कि हमें अपने समय के साथ हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना ही होगा। बिना बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाए टीचिंग में संभव नहीं है कि हम आगे बढ़ पाए। तो क्वालिटेटिव एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस का एड मॉड्यूल, इसमें चर्चा करेंगे प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब। लेकिन ये एक एजुकेशनल टूल है जो कनेक्ट करता है टीचर्स को और स्टूडेंट को, एंड इट इज असिमिलेटेड इनटू अ सोशल नेटवर्क। टीचर्स कैन क्रिएट ऑनलाइन कोलैबोरेटिव ग्रुप्स एंड एडमिनिस्टर एंड प्रोवाइड एजुकेशनल मटेरियल्स, मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड मोर ओवर कम्युनिकेट विद पेरेंट्स अमंग अदर फंक्शंस। समझिए कितना इसका दूर तक दूरगामी परिणाम होंगे। 34 मिलियन यूजर है इसके अभी तक। इसके बाद कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस के बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंशिएटेड लर्निंग। मैं चूंकि मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं तो सीके प्रहलाद एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, उन्होंने दो बातें कही एजुकेशन से संबंधित। एन इज इक्वल टू वन, यानी हर छात्र आपके लिए इंडिविजुअल है, हर छात्र आपके लिए एक इकाई है, हर छात्र विभिन्न संस्कारों को लेके आ रहा है, विभिन्न परिस्थितियों को लेके आ रहा है, हमें उसको दक्ष करना होगा। वो आपके स्कूल में आ गया है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दायित्व है। हमारे कॉलेज में एडमिशन लेकर के हम अपने दायित्व की तीसरी नहीं मानते, हमें उसे दक्ष करना होगा। तो इसके लिए डिफरेंशिएटेड लर्निंग बहुत जरूरी है। इट्स ए ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, मुझे बहुत पसंद है। Differentiated learning refers to a tailoring a teaching resources to a learner's need and interest with recognition that not everyone learns in the same way. हर छात्र की अपनी सीमाएं और गुरु का काम है कि उन सीमाओं को पहचाने, उसकी शक्तियों को पहचाने, उसकी कमियों को पहचाने और उसके हिसाब से ट्रेनिंग दे। आज मैं सारे शिक्षकों को का बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में अगर सबसे ज्यादा किसी को सम्मान कम मिल रहा है तो वो शिक्षक को। और जब तक इस देश में शिक्षक को सम्मान मिलना प्रारंभ नहीं हो तब तक उन्नति संभव नहीं। तो डिफरेंशिएटेड लर्निंग पेज अटेंशन टू डाइवर्सिफाई इन द अप्रोचेस एंड लेवल्स ऑफ स्टूडेंट नीड्स। इट ऑफर्स एवरी स्टूडेंट the opportunity to find his or her own way into better understanding the world around. इसको हम personalized learning भी कहते हैं। तो ये वही हो गया जो सीके प्रहलाद कर रहे हैं। N is equal to one, हर छात्र के गुण अवगुण के आधार पर, और एक इसके लिए टर्म यूज की जाती है लेक्सले लेवल। लेक्सले लेवल क्या है? ये मेजर करता है स्टूडेंट की एबिलिटी को। तो उसके लेवल को देखते हुए हमें उसका टीचिंग पैटर्न डिसाइड करना। अब आप ये कहेंगे ये कैसे संभव है? ये अब संभव है डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आगे चल के हम देखेंगे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बड़ा रोल है। तो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसको ऐसे समझ लें, मेक्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मोर फिजिबल। चमत्कारिक है। इसको हम अडेप्टिव लर्निंग भी कहते हैं। इसको अडेप्टिव लर्निंग नाम से भी दिया जाता है, पर्सनलाइज लर्निंग भी कहा जाता है। क्या है अडेप्टिव लर्निंग? तो किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज अडेप्टिव लर्निंग, वह सीधा इमेजिन दैट यू कुड गिव एवरी लर्नर देयर ओन पर्सनलाइज कोर्स मेड स्पेसिफिकली फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस गोल्स एंड एंगेजमेंट पैटर्न्स।
पर्सनलाइज लर्निंग है ये, उसके शक्ति के हिसाब से। इमेजिन ए कोर्स दैट अडॉप्टेड इन रियल टाइम टू देयर एक्टिविटी एंड एडजस्टेड मूवमेंट बाय मूवमेंट टू देयर परफॉर्मेंस एंड इंटरेस्ट लेवल। इट्स अमेजिंग। इसमें विच यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इसमें यूज करें, तो ये फ्यूचर है। इसीलिए हमने अपने कॉलेज में सिंडिकेट ग्रुप बनाया, 20-20 बच्चों के ऊपर एक फैकल्टी, जो उनका स्वॉट एनालिसिस करे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, उसके हिसाब से हम उनका रोजगार तय करेंगे। अगर कोई कोर इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसको कोर के लिए तैयार करें, अगर वो कोर में नहीं जाना चाहता, उसकी शक्ति नॉन कोर में जाने की, तो नॉन कोर के साथ एवोल्यूशन होना चाहिए हर स्टूडेंट। आगे की चुनौतियां बहुत है। नेक्स्ट, इसके बाद इसके 6 टूल्स हैं डिफरेंशिएटेड लर्निंग के, बहुत सारे हैं, ये कुछ मुख्य हैं। वाडा बूम, न्यूजला, एडसाइट, क्विजलेट, एक्सप्लेन एवरीथिंग, पिक्टो चार्ट, ये 6 डिफरेंट टूल्स हैं फॉर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट चलें। अब ये बड़ा विशद कंसेप्ट है, मेटा कॉग्निशन, ब्यूटीफुल कंसेप्ट जो मुझे बहुत पसंद है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और हायर, और कॉग्निशन का मतलब होता है एक्शन ऑफ थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, सोचना किसी चीज के बारे में सोचो। तो मेटा कॉग्निशन क्या हुआ? मेटा माने बियॉन्ड, तो कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो आप सोच रहे हैं उसके बारे में सोचो। इसको समझिए ध्यान से, नोइंग अबाउट नोइंग, बिकमिंग अवेयर ऑफ वंस अवेयरनेस, एक तरीके से मेडिटेशन से पैरेलल है। आप जो सोच रहे हैं उसको और गहरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं, ये मेटा कॉग्निशन है। तो मेटा कॉग्निशन और थिंकिंग क्या है? अबाउट वंस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज ए मीन्स टू थिंक मोर डीपली, इसे कहते हैं तल्लीनता, एंड एट ए हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तल्लीनता के गहरे स्तर पर उतरना। तो जब आप, कबीर साहब ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैंट, जितना गहरा आप उतरेंगे उतना आपको समझ ज्यादा आए। देखिए, कबीर साहब ने गुरु के बारे में बड़ा अच्छा कहा है, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे जो। गुरु एक कुम्हार है और शिष्य गढ़ा है, जो उसके रफ है जिसको ठीक करता है, पर लेकिन अंदर से हाथ लगाता है। तो गहरा जितना हम उतरेंगे पढ़ाई में उतना, और अपने सोच में और अपने पढ़ाने के तरीके में। तो ये मेटा कॉग्निशन क्या है? इट प्रोड्यूसेस एफिशिएंसीज इन थिंकिंग एंड लर्निंग, एज कंसेप्चुअलाइजेशन ब्रॉडन्स द स्कोप ऑफ आइडियाज इन एप्लीकेशन, ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज अ वैल्यूएबल एक्टिविटी फॉर ऑनलाइन लर्नर। जब आप लगातार कोई काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको ये पता लगता रहे कि ये हम और आगे कैसे जा सकते हैं गहरा, और आपको कोई फीडबैक मिलता रहे, तो ये मेटा कॉग्निशन हुआ। तो थिंकिंग इज ऑल्सो मोर एफिशियंट एंड इफेक्टिव वैन अकम्पनीड बाई द प्रोसेस ऑफ मेटा कॉग्निशन और मॉनिटरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन वंस ओन थिंकिंग। आप अपने ही थिंकिंग को और सुधारते जा रहे हैं और सुधारते जा रहे हैं, उसको मॉनिटर करते जा रहे हैं, उसमें लगातार इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। अब इसका क्या है? दिस इज पॉसिबल हुआ है डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विच अलाउ लर्नर्स टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग, वेयर दे रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे हैव लर्न थ्रू स्पेसिफिक पेडागोजीज लाइक सेल्फ असेसमेंट सर्वेज क्यूजेस जर्नल्स पोस्ट एंड रिव्यूज। लर्नर्स आर एबल टू डिटरमाइन एरियाज ऑफ वीकनेस स्ट्रेंथ एज वेल एज पोटेंशियल एरियाज दैट माइट बी ऑफ इंटरेस्ट। तो दिस इज समथिंग रिवोल्यूशनरी। नेक्स्ट, इसका मंत्र क्या है? मंत्र यह है,
कि आपको ये पता होना चाहिए what you want to know and what you want to do with that knowledge. जब हमें ये समझ में आ जाता है तो metacognition, आप जानते क्या, it involves thinking about what you know. पहले आपको ये जानना है कि what you know, फिर आपको ये जानना है what you don't know. पहला जानना है what you know, आप जानते क्या है, दूसरा फिर what you don't know, तीसरा how you can get better at knowing, आप उसको और बेहतर कैसे कर सकते. चौथा अप्लाइंग व्हाट यू नो. चारों चीजें, आप कितना जानते हैं, आप कितना नहीं जानते और आप कैसे बेहतर जान सकते हैं, और जब आपने जान लिया तो आप उसे अप्लाई कहां करेंगे. दिस इज मेटाकॉग्निशन. तो एक कंसेप्ट मेकिंग का कंसेप्ट आया इसमें. पीछे स्लाइड में दिखाएं, लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम बाय जॉटिंग डाउन what they know and what they don't know. तो concept mapping and mind mapping tool आ गए हैं आजकल. ये आपको ये सहायता करते हैं कि आपको और गहरे कैसे उतरना है. Tools for metacognition है और mind mapping के हैं, इसके बारे में श्रीवास्तव साहब थोड़ा बताएंगे. तो ये mind mapping software जो है is a brainstorming tool that enables you to create visual diagram of your ideas. Using a mind map maker, you can create an idea map, a conceptual map that illustrates the hierarchy and connection between different ideas. Mind mapping software ranges from simple brainstorming apps to complex data visualization and diagrammatic tools. So, ye metacognition hai jisko mind mapping bhi kehte hain. एक है एक्सेसिबिलिटी, जो सबसे बड़ा फायदा आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का है कि ये सबको अवेलेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिक लोकेशन, लैंग्वेजेस, डिसेबिलिटीज एंड अदर डेमोग्राफिक एंड सोशल इकोनॉमिक वेरिएंस. सबको अवेलेबल है, एक्सेसिबिलिटी है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम जिसका हमें यूज कर सकते हैं, कि इसका वाइडली यूज किया जा सकता है, जो बाउंड्रीज के बाहर जाए. अब आता है कि रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी से हमें करना क्या है. बहुत पहले एक शुलमैन का फ्रेमवर्क था, जिन्होंने तीन चीजों के बारे में बात की, इसको बहुत ध्यान से सुनना है. उन्होंने बात की पेडागोजिकल कंटेंट, पेडागोजी प्लस कंटेंट. फिर आए कोहलर, मिश्रा एंड केन, उन्होंने इसमें तीसरी चीज जोड़ी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसमें टेक्नोलॉजी और जोड़ दिया 2013 में. तो इस मॉडल को देखते हैं जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है ये. इसमें शुरू हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा है निलेश, वीडियो दिख रहा है? दिख रहा है. ये बहुत समझने वाली बात है. इसमें तीन गोले, सबसेट क्या है, इसमें तीन चीजों से मिलके बना है. पहला है टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट, दूसरा है पेडागोजी एंड कंटेंट, तीसरा है टेक्नोलॉजी एंड पेडागोजी कंबाइंड. क्या मतलब, इसको समझ लो. पेडागोजी और कंटेंट है, अगर उसी पर लाएं वापस, पेडागोजी है और कंटेंट है, टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, पेडागोजी है और कंटेंट है. इसका मतलब क्या हुआ, नॉलेज ऑफ व्हाट मेक्स अ सब्जेक्ट डिफिकल्ट और इजी टू लर्न. मतलब आपको पेडागोजी भी आती है, पढ़ाना भी आता है, और आपके पास कंटेंट भी. ये कहलाया TCK, आप PCK, पेडागोजी है और कंटेंट है, पढ़ाने का तरीका भी मालूम है और कंटेंट भी है, डेफिनेटली इसको क्या कहेंगे आप, PCK, पेडागोजिकल एंड कंटेंट. दूसरी चीज क्या हो गई, TCK,
टेक्नोलॉजी है और कंटेंट है, लेकिन पढ़ाने का तरीका नहीं पता, पेडागॉजी नहीं। फिर क्या हुआ, टीपी के टेक्नोलॉजी भी है और पेडागॉजी भी है लेकिन कंटेंट गायब है, उसका भी फायदा क्या हुआ। तो हमें समन्वय करना है, ये संगम है गंगा यमुना और सरस्वती का। पेडागॉजी, पढ़ाने का तरीका कैसे पढ़ाया जाए, कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया होना चाहिए, और उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज करें। देखिए जैसे मैंने पहले कहा, केवल डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर लें कैसे, उसका मतलब नहीं कि आप डिजिटल पेडागॉजी माहिर हो। वी शुड नॉट यूज इट फॉर यूज नेम सेक, वी शुड नो व्हाट वी शुड यूज, व्हाई वी शुड यूज, एंड वेदर इट इज, इफ आई एम यूजिंग इट, वेदर इट इज बेनिफिशियल और नॉट। तो तीनों चीजों की बात गहरी समझ होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना है। तो जब तीनों का मिश्रण बन जाएगा, टेक्नोलॉजी, पेडागॉजी एंड कंटेंट, तो वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसका नाम है टपेक फ्रेमवर्क, जो 2013 में कोहलर, मिश्रा एंड केन ने दिया। तो ये जो बीच का इसमें जगह देख रहे हैं, कॉमन छोटा सा जो हिस्सा है, जो सेट थ्योरी के विशेषज्ञ हैं, जिसमें तीनों का समन्वय है। नेक्स्ट चले, तो तीनों चीजें आ गई, पेडागॉजी, कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट चले। अब ये सवाल उठता है कि साहब ये जो ऑनलाइन टीचिंग है, ये बहुत अभी COVID-19 में काफी आ गई, दो मिनट इसको बंद करें जरा। तो अधिकतर मैं कहता हूं कि टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं 1975 का टीचर हूं और आपका सीनियर कुलीग हूं टीचिंग प्रोफेशन। तो मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं कि अच्छे टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, वो उसका सप्लीमेंट्री हो सकती है, लेकिन ऑफलाइन टीचिंग का ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। तो हमें ऑनलाइन को इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ, और कहां पे करना है इसका चुनाव करना हो। आज अगर कोई कहे स्कूलों में आके कि साहब हम अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा लेंगे, तो उसकी मूर्खता पे हंसा ही जा सकता है, क्योंकि क्या वो जो टीचर का और स्टूडेंट का जो संवाद होता है और जो संवाद से स्टूडेंट बहुत सीखता है, क्या वो संभव हो पाएगा ऑनलाइन माध्यम से। जो स्टूडेंट्स के बीच में जो टीम बिल्डिंग होती है, और मैं कहता हूं खटपट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरा फेजेस निकलती है, जो कम्युनिकेशन का तरीका सीखता है, जो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है खेलकूदों के माध्यम से, एक्स्ट्रा करिकुलर के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, क्या वो संभव है ऑनलाइन टीचिंग। वहां तो और दो डर सताते हैं, जिसे कहते हैं फियर ऑफ बीइंग अलोन, फोबा, एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने कुछ मिस कर दिया, फोमा, फोमा और फोबा। तो आज ये सोचना कि स्कूल का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, वो बहुत गलत हो। इसलिए जो विधा है, जिसको हमें प्रेफर करना है, वो है ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी, जहां दोनों का सम्मिश्रण है, जहां हम ऑफलाइन को प्रमुखता देंगे और ऑफलाइन को और सुधारने के लिए और उसमें इंप्रूवाइजेशन करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लें। तो इसके लिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं, ब्लेंडेड लर्निंग, एंड आई एडवोकेटिंग ब्लेंडेड लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द फ्यूचर। क्योंकि ये अब सबने तय कर चुके हैं कि स्टूडेंट, ये स्टाइल ऑफ एजुकेशन है ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी, इन विच स्टूडेंट लर्न वाया इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन मीडिया एज वेल एज ट्रेडिशनल फेस टू फेस टीचिंग। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आप लोगों के साथ जो हमारा संवाद जुड़ा और लगातार जुड़ेगा, हम पूरे प्रयास, आप जब हमें चाहेंगे हम आपके स्कूल में आकर के टेक्नोलॉजी को पढ़ाने के लिए तैयार है। उसका कारण क्या है कि मेरा मानना है कि जो आप कर रहे हैं वो आधारशिला है, वो फाउंडेशन है, और कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी मेडिकल कॉलेज तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक 6th से लेकर 12th तक की शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ती।
तो इसलिए आपका सम्मान भी ज्यादा होना चाहिए और आपका अभिनंदन, क्योंकि आप वो हैं जो उसकी नींव को पुष्ट कर रहे हैं। अगर आपका विद्यार्थी मेरे आके कुछ नहीं जानता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो ट्वेल्थ तक की एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने ये प्रयास किया कि आपसे संवाद स्थापित हो। और हम तत्पर हैं सारे स्कूलों के लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने के नेक्स्ट, क्योंकि उससे हम वंचित भी नहीं रह सकते। क्या आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वंचित रह सकते हैं? क्या हम मशीन लर्निंग से वंचित रह सकते हैं? नहीं रह सकते, उनका हमें सहारा लेना हो। ऑफलाइन को जागृत रखते हुए, ऑफलाइन की जो जो उसकी गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए उससे सप्लीमेंट करना। तो ब्लेंडेड लर्निंग इन्वॉल्व्स कोर्सेज दैट इंटीग्रेट ऑनलाइन विद फेस टू फेस एक्टिविटीज, इसमें इंटीग्रेशन हो रहा है। कोर्सेज दैट आर टॉट बोथ इन क्लासरूम एंड एट ए डिस्टेंस, मिक्सिंग और कंबाइनिंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी विद एक्चुअल जॉब टास्क इन ऑर्डर टू क्रिएट ए हार्मोनियस इफेक्ट ऑफ लर्निंग एंड वर्किंग, कंबाइनिंग कंप्यूटर्स विद ट्रेडिशनल टीचिंग, इट ऑल्सो रेफर्स टू एज ए रिजर्व टीचिंग, फ्लिप टीचिंग, बैकवर्ड क्लासरूम और रिवर्स इंस्ट्रक्शन। तो इसमें एक बहुत फेमस है फ्लिप्ड क्लासरूम, अक्सर जो हम लोग MBA IIM में पढ़ रहे थे तो ये सिखाया गया फ्लिप क्लासरूम, इंस्ट्रक्टर भेज देता था वीडियो और वो दे दिया छोटी सी क्या कहते हैं उसको पेन ड्राइव, ये ले जाइए पढ़ के आइए। तो क्लासरूम टाइम इज स्पेंड इन इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स एंड विद द इंस्ट्रक्टर, वेदर थ्रू डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और लैब वर्क, क्योंकि आधा ज्ञान हम पढ़ के आए। मटेरियल्स आर ऑफन डिजाइन टू बी यूज्ड आफ्टर क्लास फॉर रिव्यू एंड असाइनमेंट्स। तो ये क्या है, ये सक्सेसफुल ब्लेंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, जहां पर हम फ्लिप्ड क्लासरूम, जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में हम इसको बहुत प्राथमिकता देंगे, फ्लिप्ड क्लासरूम को दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे। नेक्स्ट, दिस रिक्वायर ए रीथिंकिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस। इसके लिए हमें क्लासरूम के लेआउट को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि ज्यादा इंट्रैक्शन हो सके। नेक्स्ट, AI विद डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग, जैसे मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है। The introduction of artificial intelligence could bring to higher education are very significant. Today's schools, colleges and universities face a wide range of challenge. Disengaged students hain, high dropout rates hain, fit size fits all traditional jo aapka ek tarika hai wo ab ineffective sabit ho gaya. Jaise maine kaha ki zamana differentiated learning ka hai, पर्सनलाइज लर्निंग का है। अब एक साइज की ड्रेस सबको नहीं पहना सकते कि एक ड्रेस सिलवा दी सब छात्रों ने पहन ली, नहीं, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच खत्म करनी होगी, पर्सनलाइज्ड अप्रोच शुरू होगी और वो करना होगा, मजबूरी है हमारी। इसके लिए AI और बिग डाटा एनालिटिक्स आपकी सहायता के लिए तैयार। पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस कैन बी क्रिएटेड विच मे इन टर्न हेल्प टू रिजॉल्व सम ऑफ दीज चैलेंजेस। With a personalized learning experience, every student would enjoy a completely unique educational approach that is fully tailored to his or her abilities and needs. This could directly increase the students' motivation and reduce their likelihood of dropping out and frustration, kyunki aap uski zarurat ke mutabik usko treat kar rahe hain. It could also offer professors a better understanding of each other's learning process. To ye bahut zyada aage ki baat hai jo karna hi hai, differentiated learning,
और आज एक नई चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं जो बहुत लेटेस्ट है, वो है लर्निंग एनालिटिक्स। ये लर्निंग एनालिटिक्स क्या है? लर्निंग एनालिटिक्स इज अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट। इट इज द मेजरमेंट, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा अबाउट लर्नर्स एंड देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर पर्पसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन्स परफॉर्मेंस। क्या मतलब हुआ? बहुत आसान है। इसमें मुद्दे की बात यह है कि पढ़ाते समय ही आपको ऐसे डाटा मिलते जा रहे हैं जिससे कि आप सब चीजों में सुधार करते जा रहे हैं। आपको पता लग रहा है कि ये सीख क्या रहा है, इसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है और कौन से बेटर लर्निंग प्रोग्रामिंग हम यूज करें फॉर अंडरस्टैंडिंग और ऑप्टिमाइज कैसे करें लर्निंग को। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लर्निंग एनालिटिक्स। सो इट इज मच मोर देन अ टूल, रादर इट इज अ प्रोसेस। ये जो आप पढ़ा रहे हैं उसी के बीच में आ रहा है एंड कैन स्पेंड मेनी डाइवर्स अप्रोचेस टू हेल्प इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स। द फोकस ऑफ लर्निंग एनालिटिक्स इज टू प्रोवाइड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। तो यहां पे आपको एक्शनेबल इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है कि किस तरीके से आप उसको अपने टीचिंग को इंप्रूव कर रहे हैं, लर्निंग को इंप्रूव कर रहे हैं। तो बहुत सारे इसके यूज हैं। एक्सेस लर्निंग बिहेवियर कैन रिवील स्टूडेंट्स लर्निंग बिहेवियर एंड आइडेंटिफाई देयर लर्निंग स्टाइल, एवलेट सोशल लर्निंग कि वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट के बीच में क्या हो रहा है, स्टूडेंट टू इंटरेक्शन के बीच में क्या हो रहा है, इंप्रूव लर्निंग मटेरियल्स एंड टूल्स, किस तरह से आप अपने लर्निंग मटेरियल को और इंप्रूव करें। देखिए प्रोसेस में ही आप सीख रहे हैं, सब कुछ प्रोसेस में ही हो रहा है, लगातार आपको फीडबैक मिलता जा रहा है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग भी इसमें आप कर सकते हैं, अडॉप्टिव लर्निंग जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी, या डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग, इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर ईच लर्नर। फिर उसके बाद प्रेडिक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा अबाउट लर्निंग एंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। लर्निंग एनालिटिक्स अप्लाइज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक टू प्रेडिक्ट लेटर लर्निंग परफॉर्मेंस। बाय डूइंग सो लाइकली एट रिस्क स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाइड, कि यहां गड्ढा है, इसको हमें सपोर्ट देना है। तो कितना जबरदस्त चीज है कि आप उस प्रोसेस के दौरान ही उन सारी बातों पर विचार कर रहे हैं जिससे कि हम अपनी पैडागोजी को और अपने कंटेंट को और अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव करें। नेक्स्ट, ये भी एक विजुलाइज लर्निंग एक्टिविटीज का, ये भी उसका एक हिस्सा है। तो ये लर्निंग एनालिटिक्स जो है वो आज बहुत ज्यादा भाव में आने वाली है और आएगी भी। समय हो रहे हैं बहुत सारा, हाँ ठीक है। लास्ट में कुछ शब्द हैं जो पता होना चाहिए। ये लर्निंग एनालिटिक्स टूल हैं, बहुत सारे हैं, इसमें कैनवास है जिसके बारे में श्रीवास्तव साहब चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, ये कुछ शब्द हैं जो आजकल बहुत कॉमन है, इनके बारे में आप छोटी छोटी जानकारी रख लीजिए। CMS है, LMS है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है, ये मॉडल है, ये आजकल के कुछ शब्द हैं। ये सब ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, जिनका आप यूज करके पैडागोजी को और डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ये बहुत सारे टूल्स हैं जो बहुत अवेलेबल हैं, तो ये बहुत बड़ा ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं जो मैंने दिए यहाँ पे, पूरा ग्राफ, इतने सारे चीजें अवेलेबल हैं ऑनलाइन फ्री। केवल जरूरत है इस बात की कि विलिंगनेस इज द की टू एवोल्यूशन, मेरा मानना है। अभी कल ही मैंने टॉक दी थी स्पिरिचुअल कोशेंट पर कि अमीबा में और ह्यूमन बीइंग में कोई फर्क नहीं, फंडामेंटली बोथ आर सेम। बात इस बात की है कि आर बी विलिंग टू इंप्रूव। विलिंगनेस इज द की टू द एवोल्यूशन। इफ यू आर विलिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल, इफ यू आर नॉट विलिंग नथिंग इज कैन बी डन। आज समय आ गया है जब सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज एक चुनौती का सामना करने रही,
उन सब कॉलेजेस बंद हो जाएंगे जहां पर उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। जो भविष्य है उससे हम वंचित नहीं रह सकते। मुझे याद है कि जब कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो एक स्ट्राइक हो गया, अरे हम क्या कैसे करें, और आज उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो हमें ब्लेंडेड टेक्नोलॉजी को मानना है, हमें ऑफलाइन का सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपकी जो शिक्षा पढ़ाने की तरीका है उसको नमन करता हूं, क्योंकि वो उपनिषद से चला रहा। जब गुरु के पास बैठ करके हमारी पैडागॉजी थी, शिष्य सीखता था और क्या सीखता था, पूरा कंठस्थ हो जाता था, वो भी एक पैडागॉजी थी। लेकिन आज एक अलग माध्यम से हमने पैडागॉजी को एक नया आयाम देना है, और जैसे मैंने कहा कि तीनों का समन्वय होना है। भारत की संस्कृति समन्वय की संस्कृति है, तो तीनों का समन्वय करिए, कंटेंट का, नॉलेज का और टेक्नोलॉजी का, तभी हम एक सही अमृत प्राप्त करेंगे। Tomorrow will be a new dawn. What we make of it, it is entirely in our own hands. Change is desirable. Change is inevitable. Change, in fact, has been forced upon us by these extraordinary things of COVID-19. Whether we use the opportunity to advantage or let it pass us by, we will decide whether the future will shock us or we will create shock observer that will in fact use the impact to cushion us in our journey to a better tomorrow. Let me remind you ki har crisis ke baad ek innovation hua hai jo aaj lead kar raha, chahe wo Facebook ho, Amazon ho, Flipkart ho, ye sab crisis ki den hai। तो ये जो COVID-19 का क्राइसिस है, ये हमें और शक्ति और ऊर्जा प्रदान करे, जिससे कि हम आगे वाली आने वाली चुनौतियों को अच्छे से स्वीकार कर पाए, उसके लिए सक्षम हो। मैं आप सबको फिर प्रणाम करता हूँ, सब आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतने मेगा इवेंट बनाया, इसको 1,000 से ज्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन हुए। हम पूरी तरह से आपके लिए तत्पर हैं। और एक घोषणा और मैं आज करना चाहूंगा कि बहुत शीघ्र ही हम स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं, जो JEE में बैठ रहे हैं उनके लिए, जो उनके टॉपर हैं JEE के, उनको हम लाना चाह रहे हैं, जिससे कि वो स्टूडेंट्स को 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें और उनको टिप्स दे सकें। कुछ ही दिनों पहले हमने आनंद कुमार जी को बुलाया था, जो सुपर 30 के हीरो हैं, तो उनसे सिखाया था सक्सेस मंत्रा। तो अब IIT के टॉपर आने वाले, आप सबको नमस्कार करते हैं, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। सिंडिकेट को लेकर थैंक यू सर, योर एवर गाइडेंस। Now may I request Ms. Maggie Patel to take up the question answer session. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Here we have the first question. It is regarding that, what is your opinion in introducing the syndicate approach right from the class 9th onwards? By the time child is able to define his own strengths and weakness clearly, ये syndicate is like a counselor group, जहां पर वो अपनी बातें एक छोटे से ग्रुप में, देखिए जो टीचर है वो मेंटर भी है, टीचर एक ग्रेट मेंटर है, टीचर के साथ जो संवाद है वो, उसके पास एम्पैथी कंपैशन के गुण होने चाहिए, वो पैडागोजिकल कॉम्पिटेंस में आता है। तो जिस लेवल पर भी उस स्कूल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं, बेटर होगा 11-12 से करें, छोटे छोटे ग्रुप्स में बनाए करें, क्योंकि आज जो बच्चा प्रेशर में है, पीयर प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, हमें उससे उसको मुक्ति दिलानी है, उसको सिखाना भी है। देखिए वही गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, हाथ भी लगाना है अंदर से और बाहर से भी ठीक करना, तो दोनों चीजें साथ साथ होने चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन योर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द स्कूल, it can be started either from 11 or maybe from 9th if you like, lekin bahut acha hai ki chote chote groups mein hum usse baat kare, aaj samvad ki zarurat hai, chahe wo ghar pe ho aur chahe bahar,
समय का अभाव है, क्योंकि क्या समय हो गया, ओवर हो गया। एक सवाल है डीप लर्निंग पर, तो डीप लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फंक्शन है, दैट मिनिमाइज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो वो आगे का कंसेप्ट है जो हमने अपने इंट्रोड्यूस किया है, डीप लर्निंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन और इन प्रोसेसिंग डाटा फॉर यूज इन डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, रिकॉग्नाइजिंग स्पीच, ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज एंड मेकिंग डिसीजन। डीप लर्निंग इज एबल टू लर्न विदाउट ह्यूमन सुपरविजन, ड्राइंग फ्रॉम द डाटा दैट इज बोथ अनस्ट्रक्चर्ड एंड लेबल। दो तरह के डाटा होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड, तो डीप लर्निंग उससे संबंधित है। नेक्स्ट सर, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सर, हम काफी दिनों से ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, पर साथी शिक्षकों को एक समस्या बार बार आती है कि सभी बच्चे एक्टिव नहीं रहते। ऑफलाइन क्लास की तरह ऑनलाइन को किस तरह टीचर को कंट्रोल में रखा जा सकता है और ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत हमारे सारी फैकल्टी से जूझ रही है कि ऑनलाइन पर जो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है वो 40% से ज्यादा नहीं जा रहा, कहीं 50। इसीलिए हमने वो सिंडिकेट ग्रुप की परिकल्पना की, तो हमारे एक फैकल्टी ने जो अभी शायद बोल ही रही है और बहुत सारी और फैकल्टीज ने छोटे छोटे वीडियोज बना लिए और वीडियोस बना के प्रेक्षित कर दिए छात्रों। तो ये तरीके के हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी होगी कि अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे से ही किसी ना किसी तरह से पकड़ाई में आओगे। तो कभी उनकी मजबूरियां हैं कि वहां पर हाइडिंग ऑनलाइन मतलब जुड़ ही नहीं पा रहे, तो क्या करें, तो हमने उनको छोटे छोटे वीडियोज भेजना शुरू कर दिए। तो किसी माध्यम से भी आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका कौन सा छात्र ऑनलाइन से नहीं जुड़ा। 1-to-1 मार्किंग मैं पहले कह रहा हूं, N=1, ये मेरी पहली शर्त है। तो छोटे जब सिंडिकेट ग्रुप्स में हम पता किया भाई इसमें कितने लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा नहीं ली, उनको फिर और तरीके से पूछो, पढ़ना तो पड़ेगा। जैसे हमने कह दिया भाई 75% से अटेंडेंस हम लेंगे नहीं, आप बताइए हमारे कॉलेज में वो आए जो डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, जो 75% अटेंडेंस, नहीं तो हमें नहीं लेना ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा 60% से नीचे तो हम एडमिशन ही ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे ऊपर दायित्व है उनको रोजगार दिलाने का। हमारी टैगलाइन क्या है, एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन। जब कॉलेज ही जब कंपनी ही उसको स्वीकार नहीं कर रही 60% से नीचे, तो मैं उससे बड़ी फीस लेकर 4 साल बाद उसको क्या मुंह दिखाऊं। तो मेरा दायित्व केवल एडमिशन तक सीमित नहीं, हमें उसको रोजगार उन्मुख बनाना। इसलिए हमको जैसे हॉकी में नहीं होता है। नेक्स्ट सो हियर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विल फ्लिप्ड क्लासरूम फिट इन स्कूल लर्निंग एंड कोर्सेस। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें ये तय करना, किसी डिजिटल करना है तो उसका हमें क्या फायदा होगा। अगर फ्लिप क्लासरूम का फायदा होना है, कर सकते हैं किसी एक आध जगह तो करिए। मैं बार बार कह रहा हूं हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी को वी शुड नॉट यूज इट फॉर यूजर सेक, उसको जब हम इस्तेमाल करें तो पूरी सोच के साथ करें। नेक्स्ट सो वन क्वेश्चन वी हैव इज दैट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मेटाकॉग्निशन इन डिटेल अ बिट। टाइम नहीं है, मेटाकॉग्निशन इट्स अ वेरी वेरी डीपर कंसेप्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। When हम अपनी सोच को दोबारा के बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, डीपर थिंकिंग जिसे कहते हैं हिंदी में तल्लीनता, और गहरे सोचना और अपने को देखिए, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल कंसेप्ट है ये, जागते हुए। जैन मैडम बैठे हैं, प्रणाम रेणु मैडम को, जो मैडम है वाइस चांसलर है, जैनों ने बहुत बढ़िया बात कही, सुप्ता अमुनि असुता मुनि, जो सोया हुआ है वो मुनि है, जो सोया हुआ है वो अमुनि है, और जो जागा है वो मुनि। तो ये बहुत बड़ा वाक्य है, कबीर साहब ने भी ये कहा, मन रे जागत रही हो भाई, जागते हुए काम कर। तो मेटाकॉग्निशन भी उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है कि जहां हम जागते हुए अपनी थिंकिंग के बारे में अवेयर हो रहे हैं,
और गहरा सोचना है। इसके लिए माइंड मैपिंग एंड कंसेप्ट मैपिंग के कंसेप्ट है, कभी अलग से इस बारे में और चर्चा कर सकते हैं आप मुझसे। मेरा ईमेल आईडी भी सबको उपलब्ध है और फोन नंबर भी। नेक्स्ट। सर देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस, इफ यू परमिट शैल वी टेक एट लीस्ट वन, द रेस्ट वी विल बी आंसरिंग थ्रू मी। प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब कहेंगे कि मेरे आप और हमारे रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए हैं, तो आप विल बाद में ले लेंगे अगर समय मिला। श्योर सर। कोई बहुत जरूरी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। सर देयर इज वन क्वेश्चन दैट वी विल टेक, रेस्ट विल बी आंसरिंग थ्रू मेल via yourself. अगर टाइम मिला तो बाद में भी। या श्योर सर। सो शैल वी टेक वन हियर? प्लीज। या सो वन क्वेश्चन इज, हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग ऑनलाइन व्हेन सम ऑफ देम डोंट फाइंड सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग? देखिए सब्जेक्ट में, देखिए गुरु का काम क्या है, डार्कनेस से प्रकाश से अंधकार क्यों ले जाए, अंधकार से प्रकाश क्यों ले जाए। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिलाना आपका काम है। हम कितनी सरलता से किसी मुश्किल सब्जेक्ट को सिखा सकते हैं, यही तो पैडागोजी है। और है क्या, अगर हमको अपने कंसेप्ट क्लियर है। देखिए मैं आपको एक टीचर के रूप में बात कर रहा हूँ, ओल्डेस्ट टीचर अवेलेबल एज ऑन डेट, या इस पूरी महफिल का मैं सबसे पुराना और बुढ़ा टीचर हूं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रहा हूं कि पढ़ाने का, क्लास में पढ़ाने का कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। और वो कब अच्छा होता है, जब हमें कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो। अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं और तो हम मुश्किल से मुश्किल सवाल को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। गुरु का काम क्या है, गुरु अटक खोलता है। गुरु का काम क्या है, रहा बारीक गुरुदेव ते पाइए, फिर मैं कबीर साहब को कोट करूंगा। गुरु का काम अटक खोलना है, लेकिन अगर वो खुद ही अटका हुआ है तो अटक क्या खोले। तो गुरु को अटका नहीं होना है, कंसेप्ट क्लियर होने। और अगर आप सरल भाषा में मुश्किल चीजों को भी समझाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल समझ में आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए उनमें इंटरेस्ट जगाने की, बहुत साधारण भाषाओं का प्रयोग करके। वेरी ट्रू सर, राइटली गाइडेंस। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग, एंड आई विल कम बैक टू यू अगेन, अगर टाइम परमिट हुआ तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। May I request Neena ma'am for further proceedings? Over to you ma'am. Thank you sir, and thank you Margi ma'am. Now we have with us a very renowned administrator, Dr. Anil Sharma sir, Registrar DAVB Indore. Sir has overall 30 years of working experience at various administrative positions with universities of Madhya Pradesh in higher education, and has MCOM, MBA and PhD as an educational background. I request sir for the concluding observation. Sir, please. Yes, sir. Yes, sir. Director IST, Karim Bhatnagar ji. मेरे कलीग डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव जी, श्री मूर्ति झा साहब, डॉक्टर राजेश शर्मा जी, अभी नवीन भट्टागर साहब ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। और मैं अपना सौभाग्य भी मानता हूँ कि मुझे आज के इस लेक्चर में सामने और बहुत सारी चीजें जो अरुण भट्टागर जी जी साहब ने बताई, बहुत ही नॉलेजेबल यूजफुल है आज के समय के लिए। स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने देखा एकाएक लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने से सोसाइटी में सभी सेक्टर्स में प्रॉब्लम आई, इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, सभी में एक एक पोजिशन में हो गया कि लॉकडाउन हो गया हम क्या करें। एज ए यूनिवर्सिटी हमारी वाइस चांसलर मैडम की लीडरशिप में हमने स्टार्ट किया कि हम खुद ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की जो प्रोसेस बढ़ गए थे, उसके लिए हमने हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर्स को भी मोटिवेट किया, हमने ऑर्डर्स किए, उन लोगों को प्रोत्साहित किया एज वेल एज अदर टीचर्स। तो इसमें हम लोगों के जो यूपी के यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके टीचर्स ने
काफी अच्छा इंस्टीट्यूट किया और सभी लोगों ने एक एक अपने आप को चेंज किया। जैसे हम बता के साथ बता रहे थे कि आप उनको क्या टीचिंग देंगे, ऑनलाइन टीचिंग मोड में आने के लिए आपके पास मटेरियल और किस तरह से शिक्षा देंगे। इसमें जो हम लोगों के जितने भी प्रोफेसर थे सबने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया और वो लोग बिल्कुल एक्टिव हो गए, तुरंत एक्टिव हुए, उन्होंने वर्क किया और मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी काफी अच्छी हुई। उसका कारण यह भी है कि जो टीचर्स ने प्रोफेसर्स ने जो सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन क्लासेस ली वो बहुत ही समय के अनुसार परिवर्तित करते हैं, बच्चे भी अट्रैक्ट हुए और सभी लोगों ने उसको एंजॉय भी किया। साथ ही हमने ये भी कहा कि जो महीने में पूरा हमारा कोर्स कम्प्लीट किया हमारे टीचर्स ने, अदर यूनिवर्सिटीज की पोजिशन इतनी अच्छी नहीं थी स्टेट में, जब हम लोगों से पूछा जाता था हम लोगों चांसलर द्वारा वीसी मैडम से हायर एजुकेशन से बताते थे कि हम लोगों ने क्या क्या एक्टिविटी किया है। साथ ही अब हम लोग नीट में नया काम करने जा रहे हैं, उनसे नीट कर रहे हैं, पूरे स्टेट में IELTS सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इसमें हम यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर IT सेंटर के हेड डॉक्टर श्रीवास्तव जी उनकी टीम का अहम योगदान है। इसमें इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है इंक्लूडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में इसमें आ जाएगी, तो एक कंप्यूटर बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा। ऐसा बनेगा कि कॉमन रहेगा स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज के लिए। इसका एडवांटेज सभी फैकल्टी स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर सभी के लिए रहेगा और जो हमारी हायर अथॉरिटीज है उनके लिए भी रहेगा। इस बेसिस पर वो अपनी पॉलिसीज बना सकेंगे। पर जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा भी कि हर समस्या जो है पूरी बहुत अच्छा सॉल्यूशन के साथ में लेकर आती है, अवसर भी देखती है, पर्टनर सामने भी लेकर आते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत पुराने समय में पाषाण युग था, पाषाण युग के बाद काम नहीं हुआ है, फिर हमने कागज वाले युग पर आए लिखना पढ़ना जो शुरू किया। अब ऐसा लगता है कि COVID-19 में बहुत जल्दी हमने डिजिटल मोड पर आ गया है। जैसे हम लोग भूल गए हैं कि पाषाण युग में काम नहीं
एनडी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फ्यूचर में आपको मालूम अभी लाइब्रेरी में आईएमके लाइब्रेरी को पढ़ नहीं सकता आईटी की लाइब्रेरी को ज्वाइन नहीं कर सकता बट वेरी सून ऑल लाइब्रेरी आर इंटीग्रेटेड डिजिटली एंड यू कैन एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम 24/7 आप उसका सब्सक्रिप्शन लेकर उसको यूज कर सकते हैं हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारी लाइब्रेरियों का एक्सेस है जिसको हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारे यूजीसी वाले बच्चे उसको एक्सेस कर सकते हैं हमारे पास 5000 स्टूडेंट्स का इंट्रानेट है पूरा जिसमें कि बच्चा यदि हॉस्टल में भी हो तो उस लाइब्रेरी को लॉगिन पासवर्ड के थ्रू यूज कर सकते हैं ई शोध के अंदर बहुत सारे फैक्चुअल जितने भी हम रिसर्च पेपर जर्नल्स करते हैं आजकल रिसर्च बहुत हो रहा है तो लेटेस्ट रिसर्च क्या हो रही है उसके साइटेशंस क्या है सारी इंफॉर्मेशन ई शोध के अंदर स्टोर्ड वर्चुअल लैब्स अभी जैसे कि बात हो रही थी कि बहुत सारे आपके जो लैबोरेटरीज हैं आप डिस्टेंस एजुकेशन में बच्चा प्रैक्टिकल कैसे करेगा तो MHRD और NMICT ने नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन दोनों ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है दिल्ली और IIT दिल्ली एंड बहुत सारी और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो मिलकर के अब उन्होंने 100 वर्चुअल लैब्स बनाए हैं जिसके 700+ वेब इनेबल एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल ई यंत्रा इज कोऑर्डिनेटेड बाय IIT मुंबई व्हिच इनिशिएटिंग द एम्बेडेड सिस्टम रोबोटिक्स नाउडेज द करंट एज इज एम्बेडेड सिस्टम्स सो एम्बेडेड सिस्टम्स की बहुत सारे जो रिसर्च उसका जो भी काम चल रहा है रोबोटिक्स के ऊपर वो सारा ही यंत्रा के अंदर स्टोर है ई आचार्य पोर्टल है जिसके अंदर बहुत सारे आपके ऑडियो वीडियो लेक्चर्स मल्टीमीडिया बेस्ड असाइनमेंट्स उनके रिलेटेड मटेरियल्स और जो भी सिलेबस बेस्ड पूरा मटेरियल एक तो होता है अनस्ट्रक्चर्ड एक होता है सिलेबस बेस्ड ऑल सिलेबस बेस्ड मटेरियल्स आर स्टोर्ड ऑन ई आचार्य विद्वान इज लाइक ए पोर्टल वेयर यू कैन स्टोर ऑल एक्सपर्ट्स जो एक्सपर्ट जिस एरिया में काम कर रहे हैं उनकी एक्सपर्टाइज क्या उससे रिलेटेड उनका रिज्यूम है उनकी रिसर्च सारी की सारी MHRD ने एक विद्वान करके पोर्टल बनाया उसके अंदर स्टोर है बादल बिकॉज एज यू नो लाइक ए क्लाउड कंप्यूटिंग सो क्लाउड कंप्यूटिंग अगेन रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट विद एवरीथिंग यू कैन स्टोर वर्चुअली सो सिमिलरली ऑल सर्वर मीन्स आपका ऐसा हो सकता है फ्यूचर में हमारा IOMSRD सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक जगह सिर्फ हमारा प्रोग्राम्स रहेगा और उसके अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होंगी उसको एक्सेस करेंगे उस सर्वर को कंट्रोल करना उसको स्टार्ट करना स्टॉप करना उसका बैकअप लेना ये सारा एक बादल करके प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम बेस्ड पूरा वो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज का कंसेप्ट लाके वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट लाके पूरा का पूरा उसमें डिजाइन कर हायर एजुकेशन टैपिंग द टैलेंट पूल द साइंटिफिक जितने भी एंटरप्रेन्योर है जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं स्टार्टअप प्रोजेक्ट के जितनी भी उससे रिलेटेड जितने भी सारी चीजें इस पोर्टल के अंदर स्टोर इम्प्रिंट आप लोगों ने इंजीनियरिंग एजुकेशन का सुना होगा इंजीनियरिंग एजुकेशन हमारे आज भी वो पुराने सिस्टम पे चल रही है वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेकिन आज जो रिक्वायरमेंट है वो एंटरप्रेन्योर इंजीनियर का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर इंजीनियर का मतलब वो नहीं कि पढ़ने के बाद वो जाके जॉब करे एक तरीके से वो एक एंटरप्रेन्योर बने एक नई स्टार्टअप लेके आए उसके ऊपर एक पूरा नया रोड मैप बन रहा है जिसपे ये लोग सारा काम कर रहे हैं इम्प्रिंट के अंदर की नई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को कैसे लाया जाए इंजीनियरिंग एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए जिससे बच्चे उसको पढ़ने के बाद में अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सके और एंटरप्रेन्योर बन सके साक्षात करके अगेन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पूरा साइबर ICT बेस्ड जितनी भी टीचिंग मटेरियल है सारा इसमें स्टोर्ड है ये भी NMIETC का प्रोजेक्ट है इजी लॉकर के बारे में सब लोग जानते हैं इवन आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर करी होगी सारी NPTEL ये वन ऑफ द बेस्ट पोर्टल है NPTEL के अंदर 7 IITs और IIMs प्रोग्राम्स जितने भी हैं उन्होंने लाकर कम से हजारों लेक्चर्स इसमें स्टोर्ड है एंड नाउडेज मोर देन 14,000 सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स आर रनिंग द ब्यूटी ऑफ दिस पोर्टल इज इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम नॉट पे सिंगल पेनी आपको एक भी पैसा नहीं देना इसके अंदर आप यदि प्रोग्राम की प्रोफाइल में जाके देखेंगे तो साइंटिस्ट लेकर के जो एक वेल्डिंग साइकिल वाला है वो भी इसको कोर्स ज्वाइन करा हुआ है और ये सारे कोर्स को कंट्रोल करते हैं IIMs और IITs यदि आप इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसकी एग्जाम कराती है यदि वो एग्जाम आप पास कर लेंगे तो आपको IITs IIMs का जिसका भी वो प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहा है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा एंड दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड इन द ऑर्गेनाइजेशन आप कहीं पर जाके बताएंगे मैंने वहां से NPTEL से सर्टिफिकेट करा हुआ है IIT मुंबई से तो वो सर्टिफिकेट वैलिड है इसके अंदर बहुत ही कम पैसे में मतलब जो एक कोर्स आप जाकर के IITs के जाकर के आपको करीबन 1.5-2 लाख रखते हैं वो आप कुछ हजार रुपए में सिर्फ एग्जाम देके कर सकते हैं एंड इसके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है यदि आज आपका समय हो तो NPTEL की साइट पे जरूर जाइए वंडरफुल टीचर्स के सॉलिड लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनको आपको सुनकर लगेगा कि हाँ क्या टीचर्स हैं और क्या पढ़ाते हैं जिनको जो टीचर्स अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट पोर्टल ऑस्कर ओपन सोर्स कोर्सवेयर फॉर एनिमेशन एनिमेटेड सिमुलेशंस बहुत सारी चीजें
जो कि आप चाहे कार भी बनती है, ट्रेन बनता है, एक छोटा सा कोई डिवाइस बनता है, तो सबसे पहले उसका सिमुलेटर बनाते हैं। तो इस तरह के सिमुलेशन प्रोजेक्ट ऑस्कर करके जो आईटी मुंबई का प्रोजेक्ट है उसमें स्टोर है। शोध गंगोत्री बिकॉज एज यू नो कि हम सारे रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद में आज पीएचडी या जो भी कोर्स कर रहे हैं उसका रिसर्च करने के बाद में यू वांट टू स्टोर योर डेटा। आपने जो रिसर्च करा उसका जितना भी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर करें, जैसे कोई कल के दिन जब प्लैगरिज्म चेक हो कि आपने किसी का कंटेंट कॉपी तो नहीं करा, ये सारा का सारा आपका रिसर्च इसमें स्टोर होता है जो कि शोध गंगोत्री। तो ये जो मेन बेसिक आपको जो मैंने बताया ये सारे वो है जो कि जिसको कि आप लोग यूज कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है डिजिटाइजेशन के लिए, एजुकेशन डिजिटाइजेशन के लिए स्पेशली, राइट। इसको यूज करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी आ रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आ रही है आईसीटी के बाद, आईसीटी को और मॉडिफाई करने के लिए, उसमें आप लोगों ने नाम सुना वेब 1.0 वर्जन इज अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट। बिकॉज जब जिस साल में आपकी वेबसाइट स्टार्ट हुई थी, वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट हुआ था, उस टाइम में आपके अंदर वेबसाइट बना करके आपने अपने कॉलेज का स्कूल का कंटेंट डाल दिया, सामने वाले ने उसको पढ़ लिया, दिस इज वेब 1.0। बिकॉज उनका इंटरेक्शन ही था उसको, आपको मालूम नहीं उससे इंटरेक्ट नहीं। देन आया वेब 2.0 के अंदर आपने उसके अंदर एक साइट बनाई, उसमें बच्चा रजिस्टर्ड करेगा, जो रजिस्टर्ड यूजर उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा, वो आपसे टच में रहेगा, आपसे एक्सेस कर सकता है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये वेब 2.0। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो वेब 3.0 में वी आर यूजिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर यूजिंग मशीन लर्निंग। उसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अभी आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर के ब्राउजर पे किसी भी चीज को आप ब्राउज करते हैं या उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, तो उससे रिलेटेड यदि आपने सपोज एक साइट पर गया और आपने फ्रिज का कॉन्फ़िगरेशन या लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन देखना चालू करा, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पे आने लगती है। दिस इज AI, दिस इज मशीन लर्निंग। तो अब ये चीजें यूज होंगी आपकी एजुकेशन सिस्टम में, दिस इज W.3.0 वर्जन। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसके थ्रू आपको बहुत सारे कोर्सेज आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में सारे कोर्सेज IIMs के बहुत सारे पोर्टल्स में मिलेंगे। आप सिलेक्टिव कोर्सेज को लेकर के उनको पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर एग्जाम दे सकते हैं। ये मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का कंसेप्ट है कि दिस इज 24/7 वेब एनेबल कोर्सेज, अवेलेबल ऑन योर मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एनीवेयर यू कैन यूज इट। तो दिस इज मैसिव ऑनलाइन कोर्स। और अब नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन उठता है, जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर आप बोलते हो क्लास को अपडेटेड चाहिए, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए, वो कैसे? अपडेटेड नॉलेज की बात करें तो आज मैं किसी का मटेरियल लेके यूज नहीं कर सकता, या तो मेरे को उससे परमिशन लेना होगी, या उसको यूज करने के लिए उससे पहले ऑथेंटिकेशन लेना पड़ेगा, तब जाके यूज करनी, तो वो पायरेसी नहीं पाए। इसके लिए एक नया चीज आया वो है OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। जैसे आपने ओपन वेयर सॉफ्टवेयर के नाम सुना, एक तो होता है लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो आप माइक्रोसॉफ्ट का परचेस करते हो, एक आता है लिनक्स सॉफ्टवेयर जो कि ओपन वेयर है जिसको आप फ्री में यूज कर सकते हो। तो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज फ्री वेयर है। मैंने अपना PPT बनाया, अपना लेक्चर बनाया, उस ओपन सॉफ्टवेयर में डाल दिया, आप उसको कभी भी यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, और इवन कमर्शियली भी यूज कर सकते हो। ये बहुत सारी चीजें आ रही है OER में। तो OER के ऊपर आप लोग काम करें जिनको अपना लेक्चर अपडेट करना है, कुछ मटेरियल्स लेना है। अभी मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि OER मटेरियल्स कैसे ढूंढते हैं, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट मटेरियल हो। अभी दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे यूज करें आप। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए OER के लिए। तो ओपन एजुकेशन रिसोर्स है एक अलग एरिया है जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी, यहाँ नहीं इंडिया नहीं फॉरेन की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आपको एक फोल्डर OER का बना हुआ मिलेगा। OER का मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल पड़ा हुआ आपको बिना परमिशन का आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। दिस इज ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। तो जिस दिन आप क्लासरूम में पढ़ाने जाते हो तो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, आज आप क्लास में पढ़ा रहे हो लेकिन बच्चा पीछे गूगल में देख रहा है कि टीचर ने जो पढ़ाया वो सही है गलत, वो बता देगा। वो आपको यदि आपसे डरता हुआ तो ये नहीं बताएगा टीचर आप गलत पढ़ा रहे हो, लेकिन वो आप ये देखिए वो ब्राउज कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, आप जो पढ़ा रहे हो उसको देख रहा है कि टीचर सही है या पढ़ा रहे हैं गलत। तो इसीलिए आपको भी अपडेटेड होके जाना है। आज IIMs और IITs के प्रोफेसर जिस टाइम क्लास में जाते हैं वो रात को 12 बजे तक क्या सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके आते हैं। स्टूडेंट बोलता सर ये नहीं, तो वो बोलता रात के 12 बजे ये इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो एक टीचर को, अच्छे टीचर को क्लासरूम में जाने से पहले अपने आप को अपडेट होके जाना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम में जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा उसको बताना आना चाहिए कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन है, ये वहां से एक्सेस करिए। एंड डोंट हाइड इट। मैं कोई भी लेक्चर यदि कॉपी करता हूँ तो उसमें नीचे उसके सोर्स देने में क्या बुराई,
मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोगों ने एक सेइंग पढ़े होंगे, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग. दिस इज द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ आपको डेली नई चीजें सिखा रही है, आप सीखते रहिए. एक अच्छा टीचर वही है जो डेली सीखता रहता है, राइट. तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा उसको कैसे यूज करना है. जैसे सबसे पहले मैंने OER का बताया, तो OER में आपको कैसे यूज करना है उस टिप्स को उसको बताऊंगा. उससे पहले मैं आपको ICT के टूल्स बता रहा हूँ. ICT के टूल्स कौन कौन से हैं, जैसा कि सर ने भी बहुत सारे टूल्स का उसमें इलस्ट्रेट करा था, लेकिन कुछ टूल्स बताऊंगा और समय रहेगा उसमें तो आपको कुछ टूल्स लाइव चला के बताऊंगा कि इसके थ्रू आप अपना लेक्चर्स कैसे बना सकते हैं. तो अब मैं एक और स्लाइड शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको ICT के टूल्स बताऊंगा. स्लाइड थोड़ा मैं फास्ट ब्राउज करूंगा क्योंकि टाइम कम है, आपको बहुत सारी चीजें बतानी है मुझे, तो मैं आपको स्लाइड्स नेक्स्ट स्लाइड बता रहा हूँ. Slide is visible. Hello. Yes, sir. It is visible, sir. Visible. Good. So now we are discussing about the ICT tools for teachers and students. ICT tools teacher students के लिए कौन-कौन से हैं, उनका क्या importance है? थोड़ा fast track में मैं आपको बताऊंगा, तो आप कोशिश करें ये slide जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं IST में principal sir को भेज दूंगा, यहाँ से director sir को, उसको आप चाहें तो share कर सकते हैं sir. तो फर्स्ट इज लाइक ICT, जैसा वी ऑलरेडी डिस्कस. तो पहला जो ICT टूल्स है वो कंसेप्ट मैपिंग. कंसेप्ट मैपिंग की सर ने भी बात करी थी. इनोवेटिव, जब हम एक क्लासरूम में जाते हैं तो हमारे को एक लेक्चर का सिनेरियो बनाना. आज यदि मैं कॉमर्स वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा तो उसका पढ़ाने का, उसके एग्जाम्पल्स का तरीका एकदम अलग होगा. एक BSc के बच्चों को पढ़ाऊंगा उसका एक लेक्चर अलग होगा. यदि मैं PhD स्टूडेंट्स की क्लास ले रहा हूँ रिसर्च स्कॉलर की, तो उसका कंसेप्ट अलग होगा. तो एक क्लास को पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट मैपिंग करनी है. जिस भी क्लास में आप जा रहे हैं उसका ऑडियंस क्या होगा, उसके लेक्चर्स क्या होंगे, उसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं. और यही जो आपका कंसेप्ट मैपिंग है इसके एनालिटिकल टूल्स है. जैसे सर ने आपको बताया था कि बहुत सारे कैनवा करके एक एनालिटिकल टूल है जिसको आप इंटरफेस करके उसके थ्रू आप एनालिटिक्स बना सकते हैं कि जो आपने क्लास में कोर्स चलाया है या जो सब्जेक्ट पढ़ाया है उसके फीडबैक मैकेनिज्म से क्या आउटपुट आ रहा है, क्या आपको मिल रहा है, कहाँ आपके में वीकनेस है, कहाँ स्टूडेंट में वीकनेस है, इसके थ्रू आप इसको मैप कर सकते हैं. Free mind, VUA, free plan, there is a lot of tools available. You can download and you can design the concept. Next is photo album. Photo album की मैं आपसे इसलिए बात करूंगा, और especially Google Photo की इसलिए बात करूंगा, photo album में बहुत सारे tools available है. I am talking about the Google. Google एक ऐसा platform है जो 24/7 चलता है. आपने कभी नहीं सुना होगा Google का server down. Google Photo app. You can configure it your laptop, your mobile phone, your desktop or anywhere you can just configure. जब हम video और digital lectures की बात करते हैं तो suppose मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके पास मेरे को एक अच्छा article मिला, मैंने उसका photo snapshot ले लिया, कोई एक अच्छा diagram मिला जो class में पढ़ा था उसका snapshot ले लिया, तो ये सारी चीजें आपकी photo album में automatic stored होती आएंगी. क्योंकि आप उसको रख के कहाँ करेंगे, आपको डिजिटल फॉर्म में चाहिए तो इमीडिएट लिया. तो यू कैन कॉन्फिगर ऑलवेज गूगल फोटो. गूगल फोटो में अनलिमिटेड स्टोरेज और ये आपकी गूगल ड्राइव से इंटरफेस हो जाता है. तो जो भी डेटा है सारा आपका सिंक हो गया. सपोज आपका मोबाइल मिसप्लेस हो गया, लेकिन गूगल फोटो एप्लीकेशन में जो भी आपके फोटो स्टोर है वो गूगल ड्राइव से सिंक होकर आपके हमेशा मेमोरी में पड़े रहेंगे. तो सबसे बड़ा वो एप्लीकेशन जो है वो है आपका फोटो एल्बम. इसके थ्रू आप उसको गूगल अकाउंट से इंटरफेस कर सकते हैं और सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं. क्योंकि मैं आ रहा अभी जो आपका टॉपिक है पढ़ाने का वो सारा डिजिटल ई कंटेंट कैसे बनाए उसके ऊपर है. नेक्स्ट pen.net. pen.net भी एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल से जो कि फ्री टूल से जिसके थ्रू आप बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रक्शन मटेरियल पूरा ग्रेडिंग शेपिंग उसका लेयर्स बना करके बड़े आसानी से एक अच्छा सा इंटरक्टिव टाइप का एक मटेरियल आपका बना सकते हैं जिसको कि आप इंस्ट्रक्शन डिजाइन करके एक सिंपल ड्राइंग टूल शेप से आप बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. मैक्सिमम टूल जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता. ये टूल्स इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक टीचर की कंप्लेंट है कि मैं सॉफ्टवेयर कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है. वो सॉफ्टवेयर आजकल इतने एप्लीकेशन इतने सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसको हम हमारी टीचिंग के अंदर यूज कर सकते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑडियो सिटी,
अभी लेक्चर्स की जब बात चल रही है तो लेक्चर्स के लिए बात जो चल रही है तो उसमें इंपॉर्टेंट है आपके लेक्चर्स के लिए ऑडियो। अभी जैसा मैंने एक बताया आपको मेरी वॉइस नहीं सुना रही थी, तो ये ऑडियो जो कंटेंट है, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा बच्चे बहुत सारे ऑडियो बुक्स पढ़ते हैं, ऑडियो बुक्स का कंसेप्ट है, आपकी बुक्स है उसको आपको ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट, तो ऑडियो के अंदर ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करके अपना ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें यदि कोई नॉइज आई है उसको रिमूव कर सकते हैं, अपनी पिच लेंथ बढ़ा सकते हैं, उसका कुछ पोर्शन आपको इधर रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं, ये सारी फैसिलिटी इस टूल्स के अंदर है, जो कि अगेन दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वॉटसन टेक्स्ट टू स्पीच, ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। यदि मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है जो कि 25 पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, अब मैं इसको ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मेरी वॉइस अच्छी नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि जो अवेलेबल वॉइस है 13 वॉइस अवेलेबल है इसमें अलग अलग उसमें, लेकिन अभी हिंदी सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ ओनली इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता, तो आप उसमें से वॉइस सेलेक्ट करके उस टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज द एप्लीकेशन यू कन्वर्ट योर टेक्स्ट लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो लेक्चर्स। स्प्रिंग सूट, दिस इज अगेन अ वेरी गुड टूल्स, जस्ट लाइक ए रिसोर्स, जैसा पावर पॉइंट जैसा टूल्स होता है, इसके अंदर आप स्लाइड्स बना सकते हैं, क्विजेस बना सकते हैं, वीडियो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारे सिमुलेशन लिंक कर सकते हैं, वर्ड पीडीएफ सब फाइलों को इंटीग्रेट करके एक बहुत ही बढ़िया आप एप्लीकेशंस और बच्चों के लिए टीचिंग मटेरियल्स बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में 70-80% लोग पावर पॉइंट यूज कर, पावर पॉइंट यूज करना मतलब पावर पॉइंट अपने एमएस ऑफिस पर है, एमएस ऑफिस पावर पॉइंट बनाओ, पावर पॉइंट को आपने बच्चों को भेजा या मेल करा या उनके एक आपने सर्वर बना आपके स्कूल का, उस पर आपने अपलोड कर दिया, बच्चा ने वहां से डाउनलोड कर दिया। लेकिन अब इस स्लाइड शो में टूल्स में मुझे एक बाद में जब मैं घर पे बैठा तो मुझे पता लगा कि नहीं इसमें ये स्लाइड और ऐड करना है, मीन्स आई वॉन्ट टू अपडेट माई लेक्चर्स, तो कैसे करूंगा, वो तो ऑफलाइन है, वो बच्चे ने कॉपी कर लिया, उसको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसका क्या सोल्यूशन? इसका बेस्ट सोल्यूशन है गूगल। गूगल के अंदर सेम प्रेजेंटेशन टूल्स अवेलेबल, दिस इज नोन एज गूगल स्लाइड्स। In Google Slides, if you want to make a slides and if you want to, I want to upgrade my slides, and उसमें क्या होता है Google Slide में आपको सिर्फ slides का link share करना है। तो बच्चे के पास link है, जब भी उस link को click करेगा तो बच्चे को हमेशा updated slide show मिलेगा। मतलब यदि उसमें मैंने घर जाकर के दो slides और add करी हैं या कुछ slides delete करके नई slides add करी हैं तो उसको updated slides मिलेगी। This is an online presentation. So try to use Google Slides. एमएस ऑफिस के लिए तो आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, गूगल स्लाइड के लिए लाइसेंस नहीं है, बिकॉज इट इज इनबिल्ट है, जो आपका गूगल एप्लीकेशन है उसमें इनबिल्ट है। तो एक तो गूगल स्लाइड है, इसी तरीके से सेम एप्लीकेशन के लिए वी कैन यूज गूगल डॉक, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में मैंने कोई लेक्चर बनाया तो वो भी आपको टेक्स्ट के फॉर्म में बच्चों को अपडेट नहीं मिलेगा, सिमिलरली द गूगल डॉक एंड सिमिलरली द गूगल चार्ट, एक्सेल शीट। अभी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, एमएस वर्ड यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, बट इन द प्लेस ऑफ यू कैन यूज गूगल डॉक, Google Slides and Google Chat. Using this, you want to create an online presentation, online lectures, online. So your will all will transfer your updated data, updated lectures. This is possible, right? So उसमें भी आपको सिर्फ lecture नहीं देना, सिर्फ उसको link share करनी। जैसे यदि suppose आप Google Classroom use कर रहे हैं, तो Google Classroom में आप link को share कर दीजिए। At home, if you want to modify it, immediately the modified version will be available to the on students. So try to use Google application. Why I want to use the Google application? Because Google एक ऐसा है, जैसे आप लोग Google Gmail यूज करेंगे, आपने अभी तक कुछ भी पैसा नहीं दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। Google के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि Google सर्वर इज ऑलवेज अपडेटेड, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी आती है इमीडिएटली अपडेटेड कर देते। यदि इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट, एक आपने अपना Gmail का अकाउंट बना रखा है तो उसमें 15 GB का स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यदि आप इसका स्पेस एड ऑन और बढ़ाना चाहते हैं तो यू वॉन्ट टू पे ₹100 and you want to extend the space. So 15 GB is again sufficient space for the classrooms. आप अपना एक अलग से Gmail account बनाएं, जिसको आप personal account को अलग करिए और classroom account को अलग करिए, उसमें 15 GB का data बहुत होता है, जिसमें आप अपने lectures को configure कर सकते हैं, उसको use कर सकते हैं। तो Google is the one of the best application for education. Google Map, जिसलिए मैं Google Map को बता रहा हूँ, आप यदि कोई भी साइट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसके अंदर आप गूगल के जितने भी इंटरफेस API जिसे बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, उनको आप इंटरफेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। गूगल फॉर्म्स इज वन ऑफ द गुड एप्लीकेशन, जिसको कि आप एनालिसिस के लिए, मल्टीपल क्विजेस बनाने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं गूगल को। गूगल का फॉर्म्स में आप
एमसीक्यू जो बोलते हैं या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो भी आप इसमें बना सकते हैं। आप बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, जो अभी कुछ बात चल रही थी कि हम क्लास को कैसे एक्टिवेट रखें, तो बीच में आपने अपने लेक्चर के बीच में एक छोटा सा क्विज फायर कर दिया गूगल फॉर्म का, हाँ अभी जो मैंने लेक्चर पढ़ाया 10 मिनट में इसका आंसर दीजिए, आपको पता लग जाएगा आपके क्लास में कितने बच्चे अटेंटिव हैं कितने बच्चे अटेंटिव नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो गूगल फॉर्म के अंदर इनबिल्ट एनालिटिक है। यदि आप गूगल फॉर्म के जाएंगे, यदि इन फ्यूचर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा भटनागर सर से कि एक वर्कशॉप स्पेशली कराएं जिसमें कि ई कंटेंट डिजाइनिंग और बच्चों के एनालिसिस पे काम बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपने एक क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, कितने लोगों ने गलत आंसर दिया है, उसकी एनालिसिस भी गूगल फॉर्म के अंदर इनबिल्ट है, क्योंकि इसकी एक्सेल शीट बन जाती है, उसे शीट को यदि आप चाहें तो आपके यदि डिफरेंट स्टैटिकल फॉर्मूला लगा के उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर अवेलेबल है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज वेब इनेबल, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ उसको उस एप्लीकेशन को यूज करना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गूगल एप्लीकेशन, गूगल क्लासरूम। आई थिंक ऑल स्कूल प्रिंसिपल्स टीचर्स एवरीवन इज फैमिलियर विद द गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम बहुत कॉमन एप्लीकेशन है जो कि आज की डेट में लोग और पहले भी काफी टाइम से लोग इसको यूज कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द वंडरफुल एप्लीकेशन इन गूगल प्लेटफॉर्म। Infogram. Infogram is easy to use, visualize and infographic platform. It is create chart, interactive dashboard, social media visual, all things is available on the Infogram. Canva. Canva का जैसे एक बताया, Canva एक application है graphic tools बनाने के लिए, और एक Canva analytics के लिए use होता है, जिसमें कि आप analytics कर सकते हैं अपनी course work की। आपने course work launch करा तो जिस तरीके से हम हमारे citations, हमारे जो research करते हैं उसकी analysis आती है कि कितने लोगों ने उसको citation करा। Similarly एक कोर्स की आप एनालिटिक कैनवा के थ्रू कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू यूज द एनालिटिक्स, तो उसके लिए भी आप उसको यूज करें। ये कैनवा जो एप्लीकेशन है इसमें आप ग्राफिक टूल्स यूज कर सकते हैं, ग्राफिक टूल्स के यूज कर सकते हैं अपने आपका जो भी टीचिंग मटेरियल बनाने। वेबसाइट, एक ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि सर वेबसाइट बनाना है तो पहले डोमेन नेम रजिस्टर्ड करो, फिर उसमें स्पेस लो, फिर उसके लिए एचटीएमएल नहीं, आज की डेट में वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं स्पेशली गूगल का बोलूंगा कि जब आप गूगल क्लासरूम ले रहे हो, गूगल डॉक ले रहे हो, गूगल एक्सेल ले रहे हो, गूगल फॉर्म ले रहे हो, तो फिर गूगल साइट भी उसमें इनबिल्ट है। इस गूगल साइट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना एक कोर्स मटेरियल का पूरा साइट बना सकते हो, जिसमें कि यू वांट टू एनरोल योर वीडियो लेक्चर्स, योर गूगल फॉर्म, योर क्विजेस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड दिस इज अगेन नो कॉस्ट, नॉट पे अ सिंगल पेनी, एंड यूजिंग दिस एप्लीकेशन यू वांट टू क्रिएट अ गूगल साइट, आपका पूरा गूगल एप्लीकेशन और जितना भी डेटा इफ यू वांट टू पॉपुलेट इट ऑन योर गूगल साइट, ऑल इज स्टोर्ड ऑन योर गूगल ड्राइव। ये सबसे बड़ा था। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, विज, स्क्वायरस्पेस, 123, वर्डप्रेस, जोमाटो, देयर इज अ लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट क्रिएशन, यूजिंग दिस यू कैन इजीली क्रिएट अ वेबसाइट। राइट आइकॉन, मैं ई कंटेंट और डिजाइनिंग की बात कर रहा हूं, तो इफ यू वांट टू मेक योर लेक्चर्स वेरी इंप्रेसिव, सो यू रिक्वायर्ड अ नंबर ऑफ पिक्चर्स, नंबर ऑफ आइकॉन्स। So again, these icons is free of cost. There is a lakhs and lakhs icons, PNG format, different file format icons is available. You can use for your preparing your e-content. Prezi. अभी सर ने बताया था Prezi करके एक जो सॉफ्टवेयर है जो कि आपके उसमें यूज होता है कॉर्पोरेट वर्ड में, जिस तरीके से PowerPoint है इसी तरीके से दिस इज अ पेड सॉफ्टवेयर, एक पर्टिकुलर पोर्शन तक के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ड में इसमें बहुत ही इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन बना। अभी हमारे जो नेक की टीम आई थी उसमें हम लोगों ने जो Prezi में सॉफ्टवेयर में हमारा प्रेजेंटेशन बनाया था वो बहुत ही इंटरेक्टिव, एक पे क्लिक करोगे सिर्फ पॉपअप हो गया, बहुत ही 3D और बहुत सारी चीजें आप डालकर इसको बहुत ही इंटरेक्टिव अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग टूल, एज यू नो दैट कि हम मैंने आज अपना क्लासरूम बना रखा है मेरे MBA वाले स्टूडेंट्स का, तो मैंने उनका ग्रुप बना रखा है, जो भी मेरा कंटेंट है सब उसमें पोस्ट करता रहता हूँ, सब बच्चों को मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे आप पेज बना सकते हैं, टेलीग्राम बना सकते हैं, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम, आप बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज करके बच्चों को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए इन सबको करने के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज आज की डेट में बच्चे ये यूज कर रहे हैं, उनको इसका एप्लीकेशन मालूम है, वो चाहते हैं कि उसमें आए, टीचर हमारे उसमें आए, टीचरों को उसके ऊपर जाना पड़ेगा और उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आप ग्रुप चैटिंग भी कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपके इन टूल्स पे अवेलेबल है। विदाउट कैपेबिलिटी, ये भी एक वर्चुअल रियलिटी का जस्ट भी इंटरेक्टिव वीडियो बना करके आप इसमें VR वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट सिमुलेशन, इस तरह के टूल्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। मूडल, सर ने अभी चर्चा करी थी मूडल के लिए, मूडल एक MOOCs जो है, MOOCs का एक फॉर्मेट इंपॉर्टेंट टूल है, मतलब इंपॉर्टेंट MOOCs के लिए जो मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज बोलते हैं,
उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा MOOCs के बारे में। एक्चुअली जब ई कंटेंट की बात करते हैं तो ई कंटेंट 4 quadrant में बटा हुआ है, 4 quadrant होता है। उसका पहला quadrant होता है जिसमें कि अपन क्लासरूम में, आपको कंपेयर करता हूँ रियल लाइफ क्लासरूम से, रियल लाइफ क्लासरूम में जब आप क्या करते हैं क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में आप लेक्चर देंगे, दिस इज अ लेके रियल टाइम लेक्चर। सो सिमिलरली यू वांट टू क्रिएट अ रियल टाइम वीडियो लेक्चर, तो वीडियो द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू वांट टू क्रिएट अ वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर, दिस इज द फर्स्ट वन, जैसे हम क्लासरूम में। सेकंड क्या होता है, जब बच्चा क्लासरूम अटेंड करके कहां जाता है, नेक्स्ट जाता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाएगा तो उसको क्या चाहिए, ई लाइब्रेरी, आपके बनी हुई पीडीएफ फाइल, आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा आपका, कंटेंट डिजाइन, जो आपने कंटेंट डिजाइन है उसको आर्काइव फॉर्म में पड़ा हुआ है, ई लाइब्रेरी है, ई बुक्स हैं, आपके पीडीएफ फाइल्स हैं, आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, वो वहां स्टोर है, दिस इज सेकंड पॉइंट। अब जब बच्चा क्लासरूम में और लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लेता है, तीसरा क्या होता है, हम उसका टेस्ट लेते हैं, उसका इंटरनल लेते हैं, उसका एक्सटर्नल लेते हैं, तो ये आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब वैल्यूएशन, असेसमेंट। उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत सारे हम ऑनलाइन लेक्चर्स का, ऑनलाइन लेक्चर के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए जो एक पावरफुल टूल है उसका नाम है मूडल। अभी IIT मुंबई में जो एग्जाम हुई थी IITs की, वो मूडल के थ्रू थी। मूडल इज अ वन ऑफ द वंडरफुल प्लेटफॉर्म। ये 50 स्टूडेंट तक फ्री है, 50 स्टूडेंट से ऊपर यदि आप जाएंगे तो यू वांट टू पे पर स्टूडेंट कॉस्ट। इसके ये भी ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है LMS है, जिसके थ्रू आप अपना पूरा एक कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, वर्चुअल कोर्स, जिसमें इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसका असेसमेंट, उसकी क्लासेस, उसके असाइनमेंट, जैसा आप गूगल क्लासरूम में करते हो, सेम पैटर्न में यू कैन डू ऑन मूडल। मूडल इज अ वन ऑफ द वंडरफुल प्लेटफॉर्म। यदि आप लोगों को समय मिले तो इस एप्लीकेशन को जरूर देखिए और इवन इसको यूज भी करें। और इसका जो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट बताया, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है आपका सपोर्ट। तो चार क्वाड्रेंट होगा, पहला वीडियो लेक्चर क्रिएशन, दूसरा ई कंटेंट डिजाइनिंग, थर्ड इज असेसमेंट एंड द फोर्थ इज सपोर्ट। सपोर्ट यू वांट टू क्रिएट ए डिस्कशन फोरम, एंड डिस्कशन फोरम मतलब स्टूडेंट जब पढ़ के निकल गया उसको और भी सपोर्ट चाहिए, तो एक्सपर्ट बैठे हुए यदि उसने कुछ क्वेश्चन फायर करा तो उसका आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। पैडलेट, दिस इज अगेन ए वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड है जिसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन कुछ भी पास कर सकते हैं, लोग उसको शेयर कर सकते हैं लिंक्स को। सो क्रिएटिव अगेन द क्लास बेस्ट। सर ने बोला था कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, अभी पटना का सर ने बताया था कि स्टूडेंट के बीच में, टीचर टीचर के बीच में, उनके बीच में इंटरफेस। तो इस तरह का बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनको आप साइट पे जाके ये जो टाइटल्स हैं उनको सर्च करके आप दे सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं अपने क्लासरूम्स के लिए। नियर पॉड अगेन लाइक ए लाइव क्विज, वीडियो, इमेज शेयरिंग। तो नियर पॉड जो भी आपका एक इंट्रानेट है, इंट्रानेट के ऊपर इसको यूज करके आप अपना इंटरेक्टिव डिजिटल क्लासरूम बना सकते हैं। वीडियो पजल, पजल्स के बहुत सारे टूल्स है जिसमें आपका असेसमेंट कैसे करें। मैं क्लास के बाद में एक छोटी सी पजल बना देता हूँ, इमीडिएट सब बच्चों के पास आज के डेट में स्मार्टफोन होता है या वो अपने क्लासरूम में, डिजिटल क्लासरूम में बैठे हैं, तो आप उनके डेस्कटॉप के ऊपर पॉपअप कर सकते हो, जो भी मैंने लेक्चर पाया इसको सॉल्व करो इमीडिएटली, द टाइम फ्रेम प्रोग्राम, सो इमीडिएटली द पर्सन स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्ड एंड यू विल नो द फीडबैक ऑफ योर क्लासेस। क्लास क्राफ्ट, टीचर क्लास के बीच में, इस तरह का बहुत सारे टूल्स हैं जो आप उनको यूज करके, वेरी वंडरफुल टूल। ये आपका मोबाइल पे भी अवेलेबल है और डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, पूरा एनिमेटेड फॉर्म में आप बहुत ही इंटरेक्टिव क्विजेस बना सकते हैं, उनको डायरेक्ट लाइव आप उसको यूज कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। क्विज गेम इज अगेन द टूल। इंटीमीटर इज अगेन द क्लाउड बेस्ड टूल वेर लाइव पूलिंग करके आप उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। बिट पेपर अगेन दिस VoIP वॉइस एनेबल एंड दिस यू कैन स्टोर एंड यू कैन शेयर लाइक जो वीडियो कॉलिंग्स है आपका, वाइट बोर्ड इंटरेक्टिव है, ये सारी चीजें भी इस पे है। स्क्रीन कास्टिफाई, अब एक ये टूल है, ये टूल इतना बढ़िया टूल है कि आप यदि किसी पे अपने डेस्कटॉप पे आप बैठे हैं, आप किसी भी ब्राउजर पे इसको डाउनलोड करने की जरूरत, दिस इज एड ऑन टू द क्रोम ब्राउजर। क्रोम जो ब्राउजर है उस पर एड ऑन है, आप उसको ऐड करके आप जो भी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं विद योर वीडियोस एंड योर वॉइस, और उसको स्टोर करके आप शेयर कर सकते हैं बच्चों को, इंस्टेंट शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एजेड रिकॉर्डर करके होता है, यदि नहीं आपका मोबाइल फोन है एंड्रॉइड का, तो आप एजेड रिकॉर्डर एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करें और आप अपने मोबाइल पे अपना लेक्चर्स बना सकते हैं, मोबाइल पे लेक्चर्स बना के आप उसको शेयर कर सकते हैं। दिस तो यदि मैं कह रहा ना, यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आपको यदि सोच लिया है एक टीचर को कि मुझे पढ़ाना है तो आप पढ़ा सकते, कोई चीज की कमी नहीं है। एक यदि लोग कहना है मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अरे तो मोबाइल तो है आपके पास, आप मोबाइल से लेक्चर बना दो बच्चों के लिए, उससे बना के पढ़ाओ। तो बहुत सारी चीजें जो की जा सकती है एंड ऑल दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट ए पे सिंगल पेनी। कोई स्पेशल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आप उसके थ्रू बना सकते हो। तो दिस इज स्क्रीन रिकॉर्डर, एज ए रिकॉर्डर जो मैंने आपको बताया, इसके थ्रू आप
अपने मोबाइल से ही अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ट्यूब, अभी मैं आपको उसका यूज करके बताऊंगा प्रेजेंटेशन ट्यूब का। जैसे आप देखते हैं कि अपना पावर पॉइंट भी चल रहा है, उसके साथ आपका फोटो भी आना चाहिए, आपके वॉइस भी आना चाहिए, तो इस तरह का पूरा एक लेक्चर आप प्रेजेंटेशन ट्यूब से बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन अगेन इट इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर, इसको आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें आप पावर पॉइंट के साथ में अपना लेक्चर बना करके शेयर कर सकते हैं बच्चों को यूट्यूब पे डाउनलोड कर। फ्री कैम इट इज अगेन सिमिलर टूल, जिसमें आप वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ बना करके अपना लेक्चर डिजाइन कर सकते हैं और उसको पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप्स के ऊपर। ओपन शॉट इज अगेन द सेम टूल्स अवेलेबल, जिसके थ्रू आप अपना वीडियो ऑडियो लेक्चर्स बना करके आप उसको यूज कर सकते हैं। सर्वे मंकी, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन टू कलेक्ट द डेटा। आपको नॉर्मली एक अच्छे टीचर्स को क्लासरूम के बाद में अपना फीडबैक लेना चाहिए। मैं हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं है, मेरे में भी बहुत सारी कमी है, मेरे जो लेक्चर है हो सकता है इसमें बहुत सारे मिसिंग पॉइंट है। ये डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बोले ना कि आपको आपकी गलती का कभी पता नहीं लगेगा, जो मैं गलत करता हूँ तो वो मुझे कभी पता नहीं, वो दूसरे बताने वाले। इस तरीके से जो कबीर जी ने दुआ का निंदक न्यारे रखिए आंगन को दी छबा, तो हमेशा जो आपको सजेशन दे उनका सम्मान करिए। उनको ये मत बोलिए कि ये मेरे में पॉइंट आउट करके मेरी गलतियां निकल रहा हूँ, वो आपको अच्छा करने के लिए कर रहा है। हमेशा अपने फीडबैक को आप अप्रिशिएट करिए, उसको क्रिटिसाइज मत करिए। तो कोशिश करें कि अपने लेक्चर का स्टूडेंट से फीडबैक लें, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट टाइम आप और वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएंगे। तो ये सब चीजें सर, दिस इज लाइक ए यू वांट टू प्रिपेयर ए क्वेश्चनेज, यू वांट टू मेक सम क्विज एंड यू वांट टू पोस्ट इट ऑन योर ग्रुप एंड यू विल गेट टेक फीडबैक। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, सो लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल राइट नाउ, वी आर यूजिंग WebEx, Zoom, अभी रिसेंटली स्टार्टेड Jio Meeting इज अगेन 24/7, आप 24 घंटे के Zoom में लिमिटेशन है 40 मिनट का फ्री वर्जन में। अगेन द माइक्रोसॉफ्ट टीम इज अगेन अ वेरी वंडरफुल सॉफ्टवेयर, इट इज यूज इन कॉर्पोरेट वर्क में। आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी Zoom और दूसरी चीज यूज नहीं होती, सब जगह Jio आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज होता है। अभी जो क्लासरूम में चल रहा है वो जो आपका गूगल क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, यू आर यूजिंग गूगल मीट, आप गूगल सूट करके पूरा टूल आता है उसको इंस्टॉल कर लें। ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को रजिस्टर करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको गूगल मीट गूगल सूट फ्री मिल जाता है, और गूगल सूट को आप कॉन्फिगर करके पूरे बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। एक ग्रुप के अंदर आप 250 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी, मीन्स आपकी क्लास 250 की तो होगी नहीं, 250 स्टूडेंट्स की, सो यू कैन यूज इट एंड सिस्को वेबस, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल थ्रू यू कैन टीच ऑनलाइन। सो माय कंक्लूजन इज दिस लॉकडाउन पीरियड, अब लॉकडाउन पीरियड को मार्च से लेकर अभी तक हमने कैसे यूज करा, बट अगेन वी हैव ए सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम सो वी कैन अपग्रेड। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टीचर्स, सो यू कैन अपग्रेड एंड यू कैन यूज दिस थिंग राइट। सो दिस इज द माय स्लाइड शो एंड नाउ आई वांट टू शो यू सम तो पहला टिप जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहला टिप्स बता रहा हूँ कि कंटेंट कहाँ से लाए, कंटेंट लाने के लिए कहाँ से लाया जाए। कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कि कंटेंट में कहाँ से लेके आऊँ कंटेंट के लिए, कि मेरे को रियल मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा। तो नाउ आई एम शेयरिंग माय अगेन स्क्रीन एंड आई विल शो यू हाउ विल यू गेट द कंटेंट। I'm just sharing my screen. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now screen visible hai sabko? Yes, sir. Hello. Yes, sir. It is visible. Sir. Google screen is visible. Yes, sir. Google is visible, sir. Is visible? Yes, sir. Visible, sir. Visible. Hello. Screen yes, visible. Yes, sir, it is visible, sir. Okay, good, very good. So now I am on Google. In Google, if you want to find out like a free content, so you on a Google, you will write Google Advanced Search. Google Advanced Search. If you click on Google Advanced Search, there is a one more screen is for big size of number of text box. So if you want to search anything, let it be, I want to search data science. Data science, right? So I will put the keyword is data science. So यहाँ पे अलग अलग options है कि आपको क्या चाहिए, किस space में क्या आना चाहिए,
एनी वर्ड इज रिक्वायर्ड देन आप दीज खुद भी जो आपको रेंज कहाँ से कहाँ तक का इवन देर इज ऑप्शन एनी लैंग्वेज तो आपका यदि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर एनी रीजन आपको पर्टिकुलर कुछ एरिया का निकाल तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम मीन्स अभी लास्ट 24 आवर मैंने बोला ना कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लास्ट 24 में अपडेटेड लास्ट वीक अपडेटेड लास्ट ईयर अपडेटेड तो आप वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड आपको एनी वेयर किसी पेज से और किसी टाइटल का यदि आपको वो डेटा साइंस वाला वो ढूंढना हो उसके बाद में आपको मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट जो आया हो बेस्ट सर्च करे वो रिजल्ट हो फाइल फॉर्मेट हो आपको पीडीएफ फाइल चाहिए या पीपीटी फाइल चाहिए एक्सेल फाइल तो फाइल फॉर्मेट अभी मैं सब में एनी ऑप्शन एंड सबसे लास्ट ऑप्शन जो आता है दिस इज इम्पॉर्टेंट यूजेज राइट्स दिस इज इम्पॉर्टेंट राइट ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे पहला ऑप्शन का नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस इफ यू क्लिक ड्रॉप डाउन मेन्यू देयर इज अ ऑप्शन फ्री टू यूज और शेयर पहला ऑप्शन कौन सा है फ्री टू यूज एंड शेयर उसको आप फ्री यूज कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं उसके बाद वाला ऑप्शन क्या है यूज टू फ्री शेयर इवन कमर्शियली उसको आप फ्री शेयर भी कर सकते हैं इवन यू कैन यूज कमर्शियली दिस जो इंफॉर्मेशन इज पॉप अप ऑन योर स्क्रीन ऑन सर्च यू कैन यूज फ्री शेयर एंड इवन यूज कमर्शियली उससे आप पैसे के लिए भी कहीं कोई एग्जाम्पल देके यूज कर सकते हैं लाइक तो वहां पे भी आप यूज लास्ट इज फ्री यूज शेयर एंड मॉडिफाइड पहले वाले में मॉडिफाइड नहीं था जो आपकी इन्फॉर्मेशन सपोज मेरी जो आपको मैंने पावर पॉइंट शो दिया है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते पहले वाले ऑप्शन में लेकिन इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते फ्री यूज शेयर मॉडिफाइड इवन कमर्शियल आई विल चूज द लास्ट ऑप्शन क्या वो सर्च द इन्फॉर्मेशन इज फ्री टू यूज मॉडिफाइड एज पर माई रिक्वायरमेंट एंड आई विल शेयर विद माई स्टूडेंट एंड सम टाइम आई वॉन्ट टू यूज कमर्शियली देन पुट इन सर्च तो अब ये जो स्क्रीन पे आपके जो भी वेबसाइट्स आ रही हैं ये सारी की इंफॉर्मेशन आप फ्री टू यूज है इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो कॉपी कर सकते हो इसमें जब भी आपको इन्फॉर्मेशन को यूज करें तो हमेशा उसको साइटेड जरूर करें कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली गई है इस वेबसाइट से ली गई है इस पर्सन का प्रेजेंटेशन है इसका ये रेफरेंस डायग्राम है हमेशा ये एज ए कर्सी यूज करना चाहिए लेकिन यदि आप नहीं भी करेंगे तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा क्योंकि उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन है OER के तहत आपको फ्री में अवेलेबल ये तो हो गया गूगल सर्च का एग्जाम्पल अब सेकेंड एग्जाम्पल आता है कि वीडियो कैसे सर्च कर क्योंकि तो हमें जब हम डिजिटल लेक्चर्स की बात करते हैं तो मेरे को वीडियो भी चाहिए वीडियो भी ऐसे चाहिए जो कि मैं फ्री टू यूज कर सकूं यदि आप किसी का वीडियो कॉपी करके इवन आप मूवी का किसी का वीडियो आप कॉपी करके आपके अपनी साइट पे यूज करोगे तो हो सकता है वहां के फिल्म प्रोड्यूसर का आपका फोन कॉल आया कि आपने मेरा वीडियो कैसे यूज करा तो इसके लिए आपके लिए सिंपल है यू जस्ट गो टू द यूट्यूब मैं अभी यूट्यूब पे जाता हूँ www.youtube.com मैंने यूट्यूब खोली राइट इसके ऊपर मेरे को एक लेक्चर सर्च करना लेट इट आई पुट अगेन डेटा साइंस का ही अपन एक कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं ये डेटा साइंस मैंने लगाया और डेटा साइंस सर्च कर अब ये डेटा साइंस पे जो इन्फॉर्मेशन आई है ये तो हो सकता है किसी की बना हुआ प्रेजेंटेशन हो किसी का बना हुआ लेक्चर्स हो इसको मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता अब इसमें से मैं लेक्चर कैसे ढूंढूं कि जो कि फ्री है जिसको हम फ्री टू यूज कर सकते हैं फ्री टू कॉपी कर सकते हैं फ्री लेकर मैं क्लासरूम में पढ़ा सकता हूँ तो ऊपर आप देखिए एक फिल्टर ऑप्शन है फिल्टर इस फिल्टर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक नीचे आता है अपडेट अपलोडेड डेट टाइप ड्यूरेशन उसके बाद आता है फीचर्स इन फीचर्स में एक ऑप्शन आता है लाइव 4K HD CC और एक आता है क्रिएटिव कॉमन्स इस क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने इसको क्लिक करा उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आएगी वो सब फ्री वेयर होगी उसको मैं फ्री टू यूज है मैंने जैसे क्रिएटिव कॉमन्स करा तो अब जो इन्फॉर्मेशन देगी वो कुछ वीडियो चलेगा इसमें से अब जो वीडियोज अवेलेबल है स्क्रीन के ऊपर ये सारे शेयरेबल इस वीडियो को आप लेकर के डाउनलोड कर सकते हो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो डाउनलोड करके भी बता सकता हूँ जिससे यदि इनको लोगों को डाउनलोड नहीं आता है तो वो भी सीखने की डाउनलोड कैसे करते हैं वीडियो वन मिनट आई जस्ट शो यू स्मॉल वीडियो आई दिस इज डेटा साइंस मैंने एक वीडियो ले लिया अब इस वीडियो को मेरे को डाउनलोड करना डाउनलोड करने की बिल्कुल सिंपल मेथड है आप समझ लीजिए कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए होता आप स्टार्टिंग ब्राउजर पे जाइए जहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है यूट्यूब के सामने बस यू के सामने SS लगा दीजिए SS जैसी लगा के आपको ब्लू हाईलाइट लिंक दिखेगी इसको जैसी क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक और स्क्रीन अपियर होगी इस अपियर में आपको यहाँ पे लिंक आ जाएगी उसकी डाउनलोड ये लगा रहा प्रोसेसिंग टू डाउनलोड इस पे ये देखिए लिंक आ गया ये आगे डाउनलोड लिंक
और यहाँ पे वो फॉर्मेट बता रहे कि आपको 720 के MP4 फॉर्मेट में चाहिए कि किस फॉर्मेट चाहिए। 740 डाउनलोड करें तो आप मेरे नीचे बॉटम स्क्रीन पे देखिए वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होगी। तो इस तरीके से आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं फ्री और उसको यूज कर सकते हैं डाउनलोड के लिए। तो इस तरीके से बड़ा आसान है आजकल मटेरियल को ढूंढना और अपने लेक्चर के लिए यूज करना। इस तरीके से आप अपने लेक्चर्स को अपडेटेड कर सकते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को अपने लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये सबको समझ में आया? अब मैं आपको एक दो टूल्स बता रहा हूँ कि टूल्स को कैसे यूज करते हैं। कुछ टूल्स हैं क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कवर करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। Now again my sharing my screen. Yes. So अब यहाँ पे मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ। एक टूल है स्ट्रेन कस्टिफाई। मैं सर्च कर रहा हूँ स्ट्रेन कस्टिफाई, ये सेकेंड ऑप्शन देखिए आगे स्क्रीन। ये रिकॉर्डर टूल है जो कि क्रोम के ऊपर चलता है। जो क्रोम आपका सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है, उसके ऊपर ये एड ऑन होता है, उसको एड ऑन फैसिलिटीज बोलते हैं। तो इसको आप यदि सर्च करेंगे एडॉन, मैं यहां पे पहले लिख दे रहा हूं इसको, क्रोम एडॉन एक्सटेंशन। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये एड ऑन फैसिलिटी में टॉप में देखिए, मैं जो राइट साइड पे टॉप पर एक एड ऑन करके ऑप्शन आ रहा है, ये लिखा हुआ एक्सटेंशन। इसके अंदर जितने भी मैं एक्सटेंशन यूज करता हूँ वो सारे एक्सटेंशन के नाम आ रहे हैं। इसमें आपको नीचे एक मिलेगा, ये मिलेगा स्क्रीन कस्टिफाई, मिल रहा है आपको, दिख रहा है सबको स्क्रीन कस्टिफाई एक्सटेंशन लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आ रहा है जहाँ मेरा एरो है वहां आपको दिख रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये स्क्रीन पर अपलोड होगा। ये स्क्रीन पर अपलोड हो गया वहां पर। अब यहाँ पे इसमें ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर मैं अभी आपको लाइव लेक्चर रिकॉर्ड करके बताऊंगा, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर या वेबकैम ओनली, जिसको भी आपको लेना हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। वेबकैम अभी मेरा, बिकॉज मेरा वेबकैम डायरेक्टली यूज हो रहा है, इसको यदि मैं अभी ऑफ कर दूंगा यहाँ से तो यहाँ पे वेबकैम भी आएगा। और उसके बाद में मुझे रिकॉर्ड करना है पूरी स्क्रीन को, तो इसको आप जैसे रिकॉर्ड ऑप्शन दबाओगे, ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन सिलेक्ट आ रहा है कि माइक्रोफोन कौन सा है। मैंने डिफॉल्ट में जो भी मेरा लॉजिटेक का माइक्रोफोन या ये वाला माइक्रोफोन है वो उसको यूज कर सकता हूँ, और उसके बाद में जो भी मेरा कैमरा है उसको यूज करके मैं रिकॉर्डिंग कर। अब मैंने जो रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट करी है, यहाँ पे जो भी स्क्रीन पे मैं करूंगा वो पूरा आपके यहाँ पर रिकॉर्ड होता जाएगा और उसको आप उसको यूज कर सकते हो वापस करने। एक मिनट मेरा पहला, मैं आपको अपना वीडियो बंद कर दूं फिर मैं आपको शेयर करता हूं। अभी जो भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड करके आप इसको स्टोर कर सकते हैं अपने उसके अंदर जैसा आप चाहें उसके अंदर। रिकॉर्डिंग होगी इसकी,
वही रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डर ये बता रहा है आपको जो भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सारा रिकॉर्ड हो रहा है। मैं ब्राउज कर रहा हूँ, मैं पीछे बैक में जा रहा हूँ, जो भी ये सारा आपका स्टोर होने के बाद में इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया स्क्रीन का, आपको वीडियो दिख रहा नहीं सर, इट इज नॉट शोइंग, नॉट शोइंग। चलो वन मिनट, श्योर। हेलो, हेलो, यस, हाँ मैं वो शेयर कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, यस शेयर कर, वन मिनट। क्या आपको दिख रहा है वीडियो? अभी वीडियो इज विजिबल सर, प्ले कर दीजिए। प्ले नहीं किया, प्ले कर दीजिए सर। शेयर वीडियो दिख रहा है ना स्क्रीन पे आपको? हाँ सर दिख रहा है, कौन दिख रहा था? हाँ दिख रहा है सर। ये अभी जो मैंने आपको देखे ऊपर तारीख आ रही है, एंटाइटल 19/20/1/44 राइट, और जो भी मैंने स्क्रीन पे करा है आपको पूरा विजिबल यहाँ पे दिख रहा है। जो भी आप स्क्रीन पे करेंगे वो सारा का सारा यहाँ पर आपको विजिबल फॉर्म में पूरा दिखाई देगा इस तरीके से। तो आप अपना पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर सिर्फ बिना किसी हेल्प से आप पूरा रिकॉर्ड जो भी आप काम करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे आएगी और उसको आप स्टोर कर सकते हैं और उसको MP4 फाइल बना करके आप इसको शेयर करिए। लिखा हो रहा कॉपी शेयरेबल लिंक, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा कॉपी शेयरेबल लिंक, ये लिंक बन करके इसको आप उसको शेयर कर सकते हो अपने क्लासरूम में। लिखा हो रहा शेयर टू गूगल क्लासरूम, पब्लिश इन द क्लासरूम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको शेयर कर सकते हैं राइट। तो एक तो ये टूल था स्क्रीनकास्टिफाई, एक दूसरा टूल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि उसका यूज है आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, पावर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वो भी मैं आपको अभी शेयर करके दिखा रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है आपको सबको? स्क्रीन इज विजिबल? हेलो, हेलो, स्क्रीन विजिबल? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, ये एक टूल होता है प्रेजेंटेशन ट्यूब, प्रेजेंटेशन ट्यूब करके एक टूल है जिसको कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैं अभी वापस रन कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखा देगा ये आपका यहाँ पर रन होगा स्क्रीन के ऊपर। ये एक टूल है प्रेजेंटेशन ट्यूब रिकॉर्डर वर्जन 4.0.7 बना, इसके थ्रू आप किसी भी प्रेजेंटेशन को लेकर के आप बना सकते हो। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि कैमरा ऑन करना, तो कैमरा अभी ऑफ है, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो पहला ये बटन ऑन एंड ऑफ मैंने इसी ऑन करा तो देखिए यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ आपका कैमरा आ जाएगा। कैमरा आपको सेलेक्ट करना है कौन सा कैमरा है, तो मैंने कैमरा सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने कैमरा सेलेक्ट करा मेरे स्क्रीन पे कैमरा है राइट। अब कैमरे के साथ यदि ये कैमरा है तो इस पर आप वीडियो लेक्चर बना सकते हैं। अभी मैं जो भी बोलूंगा वो सब रिकॉर्ड होगा, ये माइक्रोफोन लेवल है, इस माइक्रोफोन लेवल से आप अपनी वॉइस को सेट कर सकते हैं कितना रिकॉर्डिंग करना है, किस हिसाब से करना है राइट। इस तरह का इसका मास्टर वॉल्यूम है, इससे आप कर सकते हैं, नीचे पूरा इसके ऑप्शन है, उन ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब मेरे को लेक्चर के साथ मेरा स्लाइड शो भी चाहिए, तो स्लाइड के लिए कहाँ से आएंगे, तो दोनों चीज चाहिए, तो उसके लिए आपने आप कर दिया पोर्शन। यहाँ पे मैंने ओपन स्लाइड्स करा, अभी जो मैंने एक स्लाइड्स पढ़ी थी आपको डिजिटल वाली, मैं वो स्लाइड्स को लोड करके बता, डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, इस स्लाइड्स को ओपन कर रहा हूँ।
तो साइड में मेरा पिक्चर छोटा हो गया, देखिए दूसरी डिजिटल इनिशिएटिव और गवर्नमेंट इन एजुकेशन जो अभी आपको स्लाइड पढ़े थे वो स्लाइड स्क्रीन पे आ गए। ऊपर आप देखिए, ऊपर यहाँ सामने आपको बटन्स मिल रहे हैं, सारे इसके टैब्स मिल रहे हैं, ओपन स्लाइड्स, स्टार्ट, पॉज, स्टॉप, प्ले एंड अपलोड, राइट। अब इस लेक्चर्स को मुझे पढ़ाना है तो यहाँ मेरा छोटा पिक्चर आ गया, इस पिक्चर के साथ मेरा फोटोग्राफ भी आ रहा है, मेरा लेक्चर भी चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड होगा और सारी चीजें उसमें एट ए टाइम होंगी। सिर्फ इसको आपको पढ़ना है। अब यदि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है तो मेरे को करना पड़ेगा स्टार्ट, जो ऊपर रेड कलर से लिखा स्टार्ट, जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा यहाँ पे काउंटिंग चालू हो गया, 3, 2, 1। डियर स्टूडेंट, टूडे आई वांट टू टीच डिजिटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इन एजुकेशन एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, टूडे आई वांट टू टीच यू। नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट प्रेस द नेक्स्ट बटन। नाउ द फर्स्ट पोर्टल इज अवेलेबल बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज नोन एज स्वयं प्लेटफॉर्म, इट इज यूज फॉर स्टडीज। इसको आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप ये रेड पेन है, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, नीचे पेन अवेलेबल है, इससे आप हाईलाइट या जो भी करना चाहें या लिख सकते हैं लिखने के लिए। यदि आपका टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है या आईपैड है तो डायरेक्ट आप पेन से इसके ऊपर लिख सकते हैं। इस तरीके से एक स्लाइड, दो स्लाइड, जो भी आपको ये पढ़ाना, स्लाइड बाय स्लाइड भी चल रही है, सामने आपका फोटो भी आ रहा है, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको रिकॉर्डिंग के बाद में आपने सारी स्लाइड दिखा दी, इसके बाद में आप उसका नीचे आपका एक उसमें ज़रा 11-12 जितनी भी स्लाइड्स आपको दिखाने के बाद में आप इसको स्टॉप करेंगे। जैसे ही आपने स्टॉप करा, स्टॉप करने के बाद में इमीडिएटली पूछेगा एंटर द फाइल नेम। सपोज मैंने आज का IIST लेक्चर L1 इस नाम से ही आपकी फाइल स्टोर हो जाएगी, ये सेव हो गई, ये फाइल सेव हो गई। अब मेरे को उसको प्ले करना है, इसको आप इसको ओपन करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब ये प्ले जैसे ही मैंने करा तो स्लाइड का नाम पूछेगा कौन सी स्लाइड मैंने IIST 1 के लिए ओपन करा, और अब मैं जब मैं प्ले करूंगा देखिए आपकी डायरेक्ट स्लाइड पूरी की पूरी स्क्रीन पे चल रही है। आपको हो सकता है इसमें आवाज भी आ रही होगी जो मैंने बोला, sir the voice is not clear. ये जो भी अभी मैंने लेक्चर इंस्टेंट आपके सामने बनाया वो पूरा लेक्चर क्रिएट हो गया। इस लेक्चर को बनाने के बाद में आप इसको साइट पे या यूट्यूब पे जहां पे भी चाहे उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सिंपल टूल्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप लेक्चर्स को बना सकते हैं। एक कुछ लेक्चर शायद मैंने क्रिएट करा, वो आपको शेयर करके बताता हूँ। Questions? Audible? Yes, sir. Yes, sir, you are audible, sir. Yes, sir, you are audible, sir. So questions, Dr. Srivastav se pooch le, ek do questions mere reh gaye, woh baad mein bata dunga. May I request Ms. Margi Patel for the question? Yeah, thank you, ma'am. Niranjan, sir, am I audible? Yes, madam, you are audible. There is a question for Niranjan sir, that can you tell us tools for taking test or online exams? Chatbot can. और second option आपका एक और जो available है वो है आपका Google Form. Google Form के साथ भी आप MCQ बना करके multiple choice questions बना करके आप उनसे exams ले सकते हैं।
Thank you, sir. Sir, one more question is that how to connect Google Classroom with Google Meet? Google Meet, yes, absolutely. Google Classroom, Google Meet से use करने के लिए important है G Suite. G Suite करके एक application होता है जो कि specially किसी purpose से बनाया हुआ है जिसके साथ आप अपनी class को interface करते हैं. नहीं तो एक G Meet करके एक और software आता है, DO करके एक software आता है, उससे आप कर सकते हैं. लेकिन जो Google Meet में application है, जितना interactive है, share screen, ये सारी चीजें उसमें नहीं है. तो आपने institute के लिए best है कि आप पहले आप G Suite को install करें. उसको रजिस्टर करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है क्योंकि वो आपकी वेबसाइट को, स्कूल की वेबसाइट को वेरीफाई करता है. उसको वेरीफाई करने के बाद ही वो एप्लीकेशन का एक्सेस आपको देता है. तो आप जी सूट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें. उसके अंदर बहुत सारे कुछ फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ता है. कुछ डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन कॉपी में गूगल आपसे मंगवाता है, वो आपको भेजना पड़ते हैं. जब वो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता है, देन जी सूट एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड फॉर योर स्कूल और कॉलेज और द यूनिवर्सिटी एंड यू कैन यूज इट. Yes. Any more question? Yes, sir. So one more question is that which whiteboard having all features can we use along with slides? Along with? Slides. हाँ, whiteboard के अंदर अभी whiteboard के अंदर जैसे मैं आपको बताऊँ, whiteboard में जो भी चीजें आ रही, जो नए applications आ रहे हैं, यदि इसका आपके पास iPad है, तो iPad में तो आप PDF form को भी pause करके उसको पे लिखकर highlight कर सकते हैं. इवन पावर पॉइंट शो को जो आप स्लाइड शो देखा, उसको पॉज करके उस पर भी आप लिख सकते हैं. तो सारी फीचर एज ए व्हाइट बोर्ड जैसी है. इवन उसके ऊपर आप नरेशन लिख के साइड में कॉर्नर में स्टोर कर सकते हैं. और जो भी आप स्क्रीन पे कर रहे हैं, यदि आपने स्क्रीन रिकॉर्डर टूल लगा रखा है, तो क्लासरूम में आप जो भी नोट्स बना रहे हैं वो उसको स्टोर करके बाद में बच्चों को शेयर कर सकते हैं. ये सारी फैसिलिटीज है उसमें. माइक्रोसॉफ्ट अपने साथ में माइक्रोसॉफ्ट 10 जो है विंडोज एप्लीकेशन, उसके साथ ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड आता है. यदि आपने एप्लीकेशन को सर्च करेंगे अपने, तो एड ऑन फैसिलिटीज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर. माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज है उसके साथ ऑलरेडी फैसिलिटीज, आप सर्च करिए नीचे जाकर व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड करके एप्लीकेशन है जो विंडोज 10 के साथ इनबिल्ट आता है. आप उसको यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए. थैंक यू सर. यस सर, वन मोर क्वेश्चन इज देयर दैट कैन वी यूज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर फ्री लाइक द वे वी कैन यूज गूगल क्लासरूम? ये एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते हैं वो लोग. इसके लिए भी आपको पहले उनसे माइक्रोसॉफ्ट से बात करना पड़ेगी. माइक्रोसॉफ्ट से बात करने के बाद उसका 3 लेवल का लाइसेंस है, A1, A2 एंड A3. पहले वो आपको A1 का एक्सेस देंगे. A1 एक्सेस के लिए थोड़ा सा, इसके लिए यदि आपके पास IT की टीम है आपके स्कूल या कॉलेज में, तो वो उसको कॉन्फिगर करेगी. उसके बाद में सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक एक ही माइक्रोसॉफ्ट का है कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए आप कोई भी अकाउंट वाला उसमें एंटर नहीं हो सकता. माइक्रोसॉफ्ट के लिए उसका पहले आउटलुक अकाउंट होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए, वही माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर इनरोल हो सकता है. लेकिन उसके साथ बहुत सारी फैसिलिटीज है. आप अपनी क्लास के अटेंडेंस ले सकते हैं, किसी गेस्ट को बुला के लेक्चर करा सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग, मतलब सिक्योरिटी लेवल पॉइंट ऑफ से माइक्रोसॉफ्ट टीम वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन. थैंक यू सर. सर वन मोर क्वेश्चन, इज देयर एनी फैसिलिटी टू रिकॉर्ड सेशंस ऑन गूगल मीट? नो, नॉट अंडरस्टैंड, व्हाट इज द क्वेश्चन? Is there any facility to record sessions on Google Meet? Google Meet में admin जो रहता है, जो Google Meet का admin रहता है, उसके पास facilities होती recording. Admin के पास facility, लेकिन वो G Suite में मिलेगी. आप यदि individual application लेंगे तो उसमें नहीं. Okay. G Suite application में facility है. Thank you, sir. Sir, there is a question for Bhatnagar, sir. Sir, am I audible? Am I audible? Yes, sir. एक क्वेश्चन है जिसका जवाब देना है मुझे, कि उन्होंने पूछा है कि अडॉप्टिव लर्निंग हमारे क्लास का जो साइज है अगर बड़ा है, तो अडॉप्टिव लर्निंग को कैसे इस्तेमाल किया जाए. तो श्रीवास्तव साहब ने बताया है, तो अडॉप्टिव लर्निंग में जब तक AI का यूज नहीं होगा, पर ऐसे आज हमारे पास एप्स हैं जो ये काम कर रहे हैं. जैसे एक है स्मार्ट स्पैरो. ये स्मार्ट स्पैरो वॉज बॉर्न आउट ऑफ ए रिसर्च ग्रुप, द अडॉप्टिव लर्निंग ग्रुप है ये, ऑस्ट्रेलिया में 2011 में बना है. अब इसकी ये साइंस फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है. ये ऑन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्पेशलाइज्ड है, पर्टिकुलरली अडॉप्टिव एंड इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस. तो AI के माध्यम से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ऐसी एक और है न्यूटॉन, एक है ड्रीम बॉक्स, एक है स्कॉट पैड.
ये सब एडाप्टिव लर्निंग और डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग के टूल्स हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम अलग अलग स्टूडेंट्स की नीड्स और उसकी वीकनेसेस और उसकी जो सीमाएं हैं उसका ध्यान रखते हुए अपनी पेडागोजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है किसी ने कि हाउ टू इनकल्केट एथिकल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन डिजिटल पेडागोजी। देखिए, डिजिटल पेडागोजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हमारा मकसद नहीं है। इसे पहले भी स्पष्ट किया गया, वी शुड बी वेरी क्लियर कि डिजिटल एक टेक्नोलॉजी का यूज हमें कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ऑफलाइन टीचिंग का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन टीचिंग नहीं हो सकती। हमें अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना है तो वो एज ए सप्लीमेंट्री टूल यूज करना है, इसलिए तीनों चीजों में बहुत जरूरी है। जो कंटेंट है, जो ऑफलाइन आप पढ़ा रहे हैं, उस ऑफलाइन में जो आप स्पिरिचुअल और एथिकल वैल्यूज, टीचर इज अ रोल मॉडल, तो आज के जो टीचर है उसके मल्टीटास्किंग होने हैं, उसका जो रोल है बदल गया, उसको डिजिटली भी स्ट्रांग होना है, टेक्नोलॉजी में भी स्ट्रांग होना है, कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट में भी स्ट्रांग होना है। कंटेंट तो बेसिक चीज है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट और पेडागोजी किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको आप जो बेहतर कर सकते हैं वो करें, तो इसलिए दोनों का मिश्रण चलेगा, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। और जब टीचर स्टूडेंट के बीच में जो संवाद होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वही आपका जो गुरु का कर्तव्य है, जिसके लिए मैंने पहले भी कहा कि वो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ना केवल टीचिंग, बल्कि चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, आगे के कॉम्पिटिशन को कैसे फेस करना है, ये भी सिखाना। एक ही बात हम सबको सीखनी है कि लाइफ में चैलेंजेस भी आएंगे, हर्डल्स भी आएंगे और चुनौतियां भी आएंगी, और कभी हम डिरेल भी होंगे, पर उसके कारण हमें हाउ टू हैंडल दोज चैलेंजेस एंड हाउ टू हैंडल दोज क्राइसिस, दैट वी शुड लर्न। और ये सब हम शिक्षा के माध्यम से एक शिक्षक उसको सिखाता, हाउ टू हैंडल क्राइसिस उसको सिखाता। और कोई सवाल इसमें? सर, देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू बतनागर सर। सर, वन ऑफ द टीचर वांट्स टू आस्क दैट सम पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद ऑनलाइन क्लासेस, दे डू नॉट वांट टू स्टडी चिल्ड्रन दिस ईयर, व्हाट टू डू इन दिस वे। वो जैसे मैंने पहले कहा कि ये समस्या आ रही है, अब उसके लिए जैसे एक उससे मिलता जुलता और सवाल है कि डिजिटल लर्निंग को हम डीपर लर्निंग कैसे बनाएं, तो फिर वहीं पर बात आ जाती है कि हमें उसकी वीकनेस ये देखते हुए कितने लोग हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हैं, कितने लोग ऑनलाइन क्लासेस में नहीं है, तो जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में नहीं है उनके लिए हम किस मीडियम का सहारा लें, जैसे मैंने बताया वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजें या PPT भेजें या उनसे 1-to-1 व्हाट्सएप पर कम्युनिकेशन करें, वो चैनल हमको ढूंढने होंगे। और उसी के कारण डीपर लर्निंग तभी आएगी जब हम तीनों चीजों का, जैसे वो हमने टपैक का मॉडल बताया, समन्वय करें, टेक्नोलॉजी का, कंटेंट का और पेडागोजी का। जब तक तीनों चीजों को सही मात्रा में नहीं मिलाया जाएगा तब तक एक सही तरीके से पढ़ाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन सीखना तो है, इससे हम अछूते नहीं रह सकते। डिजिटल टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं और चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के मॉडल्स को देखें तो उसमें उन्होंने काफी प्रगति की है इस न्यू मेथडोलॉजीज में, और आज स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी है, क्योंकि सभी तरह के वो हम उस वातावरण को कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें आगे चल करके इसको हम डील करना ही करना है डिजिटल टेक्नोलॉजी को, तो जितनी जल्दी उसकी शुरुआत हो उतना इम्पोर्टेंट है। एनी अदर क्वेश्चन? सर, थैंक यू फ्रॉम माय साइड टू ऑल पार्टिसिपेंट इन भंडारा सर एंड ICT टीम, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी सबसे इंटरेक्ट करने के लिए। आई होप एवरीवन एंजॉय दिस लेक्चर, और सर से टच में रहिएगा, जो भी स्लाइड चाहिए हो सर से मेरा कॉन्टेक्ट हो मिल जाएंगे।
and thank you very much, Sharma. Thanks again. Sir Bhattacharya, if I can ask Dr. Sharma from Bhopal. Sir, can I ask a question? Please, why not? Sir, actually the apprehension of parents about screen time is there. What is the, how can we remove that confusion? Many parents are objecting for online classes because of the screen time. जी उसके लिए श्रीवास्तव साहब ने एक जवाब दिया था. श्रीवास्तव साहब कैन यू रिपीट आंसर. बता रहा हूँ सर, अभी आप यदि देखेंगे तो एक ब्लू कट टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है जो कि बहुत ही सस्ती, मतलब 500 रुपए के आपके स्क्रीन, जैसे यदि बच्चा ग्लासेस लगाता है तब तो लगाना ही है उसको, और यदि नहीं लगाता है तो एक ग्लासेस आ गए ब्लू कट लाइट. ब्लू कट लाइट से ही आपके रेटिना और आइज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है जिससे आंखें आपकी ड्राई हो जाती है और लंबे टाइम तक आप देख नहीं पाते. तो ब्लू कट टेक्नोलॉजी आप सर्च करिएगा गूगल के ऊपर, आपको मिल जाएगा. और जितने भी ग्लासेस बनते हैं, बच्चों को आदत डालेगी वो ग्लासेस पहनकर ही स्क्रीन को देखें, जिससे कि उसका पूरा इफेक्ट कट हो जाएगा, उसको आपको आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा. और जो आंखों पे आपके पास बैठने पे जो इफेक्ट पड़ता है उसमें आप, मैं कंप्यूटर का बंदा हूं, मैं कम से कम पिछले 30 सालों से कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, लेकिन वो ग्लासेस लगा के आप यूज करते तो आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको आप यूज कर सकते हैं. आने वाले भविष्य में स्क्रीन पे ही वो लग के आया करेगी जिससे ब्लू कट लाइट आपकी आंखों पे इफेक्ट नहीं डालेगी. आप इजीली एट ए टाइम एट ए स्ट्रेच 7 से 8 घंटे बैठ के काम कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं. थैंक यू सर. थैंक यू. बच्चा जितना टीवी पर टाइम वेस्ट कर रहा है वहां ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस है तो वहां ऑब्जेक्शन है. तो ये बात पेरेंट्स को भी बतानी होगी कि वहां चेक करिए, जब आप घर पे छोड़ के ऐसे चले जाते हैं और वो केवल टीवी देखता रहता है तो और वीडियो गेम्स खेलता रहता है और उसके हाथ से निकलता ही नहीं है, तो वहां दिक्कत नहीं आ रही. जो जहां समस्या का वो ये है कि आज उसको हमें एक डायलॉग के माध्यम से समझाना है, पेरेंट्स को ज्यादा समझाना है बच्चों की जगह. मिस्टर भट्टाचार्य, अपोज द ऑनलाइन क्लासेस बाई मेकिंग द एक्सक्यूज ऑफ स्क्रीन टाइम. So they are supposed to say no classes, no fee. So they are finding the excuse not to pay the fee to the institution. This is the only thing which the parents are talking about. It is not basically the screen time. It is just an excuse of. It is just an excuse. Absolutely, yeah. Correct. Absolutely correct. Jha sahab, wo ek excuse hai. Ab dekhe wo uske to uska samadhan to dekhe. Unko ye janna hoga ki wo जो गुरु की जो महत्ता है और जो शिक्षक की शिक्षा की व्यवस्था है उसको नकार कैसे सकते हैं. अगर आप आज, वही मैंने पहले कहा कि इस पूरे हमारे हिंदू, देखिए एक बार सेकेंड वर्ल्ड वार में चर्चिल से पूछा गया था कि व्हाट डू वांट, उसने कहा था टैंक, मोर टैंक एंड मोर टैंक. तो अगर हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान हो सकता है और हम उसको एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो एजुकेशन एंड मोर एजुकेशन एंड मोर एजुकेशन. तो जो जहां पर रूट कॉज है, जो रूट कॉज एनालिसिस कहलाता है, जो मैं इसमें, हालांकि मेरा क्षेत्र तो रेवेन्यू सर्विस का था लेकिन चूंकि मैं शिक्षक रहा हूं तो उसके प्रति जो संवेदनशीलता है वो है कि वहां पर गड़बड़ है. आज हमारे दो तरह के डिजिटल डिवाइड है. एक और समस्या आने वाली है कि एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, साधन की सीमितता है, और एक अमीर वर्ग है. तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें ये भी देखना है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जिनके पास आय के साधन नहीं है, उनको भी हम कैसे शिक्षित करें, ऐसा ना हो जाए कि वो ये बात केवल संपन्नता तक ही सीमित रह जाए या संपन्न घरानों तक ही सीमित रह जाए. तो जो एक्चुअली दे आर बेसिकली कनेक्टिंग द एजुकेशन विद द जॉब एम्प्लॉयमेंट. द चाइल्ड शुड गेट द जॉब. दे डोंट थिंक द एथिकल वैल्यूज, द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विच इज अफेक्टेड बाई the education. If you give provide the proper education and so the child behavior would be in a proper way, that the grooming of the child would be in a better way. So yes. It should not be related only with the job availability on job oriented. So they must understand the education basically in a better way. Absolutely, I fully agree with you, because yesterday itself I have given a talk on the spiritual quotient. बिकॉज आई क्यू और ई क्यू के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन की, जहां पर हम उनको जो अपने वैल्यू सिस्टम है
वो जरूरी है इनकलकेट करना उनकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में। तो एक देखिए सबसे बड़ा अगर कोई मिरेकल हो सकता है तो एटीट्यूडनल चेंज है किसी व्यक्ति की, अगर हम सोच को बदल सकें अपने प्रयासों से। इसलिए मैंने कहा कि गुरु और शिक्षक में फर्क है। At this pandemic situation, here the responsibility of the parent is very important because they are directly connected to the children. And what the parents are talking at home, what basically they are telling the child, they are learning accordingly. They are not listening to the teachers on those ethical values. If they are not keeping their videos on while online classes, how do teacher come to know about the attentivity of the child? And there will not be any feedback. The teacher will not improve. This will be a one-way communication. And this is not the learning. Teaching learning means interactive session. That means the child must give the proper feedback in between so that the teacher could even plan things accordingly to inculcate new innovations and proper use of the technology which you were talking about, the pedagogy and content and the use of digital tools while teaching process. So everything has to be properly utilized for teaching learning process. So this the parent must understand. Yes, yes. देखिए अभी एक बहुत मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें था कि छह चीजें जो टेक्निकल जो इनोवेशन है वो बहुत जरूरी है एजुकेशन में। उसमें से एक था बायोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमेट्रिक। आज हम अपने कॉलेज में बायोमेट्रिक लगा रहे हैं फर्स्ट ईयर में कि ताकि हम 75% से नीचे तो अटेंडेंस पर हम एग्जाम में बैठ नहीं लें, क्योंकि ये संभव नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सूरज पर घर बनाना और छांव तलाश करना, खड़े होना तो दलदलों पर फिर पांव तलाश करना कैसे संभव? तो आप जब तक क्लास में ही नहीं आएंगे मैं आपको आपकी इम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन को कैसे बना सकता? इट इज नॉट पॉसिबल। आज हमने चार अध्यापक जो चार फैकल्टी केवल इंग्लिश पढ़ाने के लिए रखे हैं और दो परमानेंट और दो एप्टीट्यूड के लिए, ताकि शुरू से ही हम उनकी इंग्लिश के कम्युनिकेशन को, अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो इंग्लिश में उनको ऑनलाइन एग्जाम देना है जो कि बहुत सही बात नहीं है देश के लिए, पर है, पर लेकिन तो उसमें उनको दक्ष तो करना ही पड़ेगा, उससे हम पीछे तो नहीं रह सकते। तो इसलिए हम उनको शुरू से ही टेकअप कर रहे हैं। उनको फर्स्ट ईयर में आके ही मैं कम से कम 4 घंटा सेशन लेता हूँ ऐसी बात कि वाई यू शुड डू दिस, वाई बिकॉज। अच्छा, उसके लिए क्या होता है कि जब वो देखते हैं उसका परिणाम कि भाई देखिए ऐसा हो गया तो फिर थोड़ा सा उत्साह जागता है। तो बहुत मुश्किल काम है लेकिन असंभव नहीं है। इसमें शिक्षकों को अगर पूरे प्राणपण से लगे और पूरे यत्न से लगे, देखिए शिक्षा में वही रहे जो जिसमें पैशन। देखिए ये पैशन जब तक नहीं आएगा, क्योंकि जो वेतन मिलता है वो इतना कम है कि आप कैसे काम कर रहे हैं उसी पर आश्चर्य। या कोई भी इंदौर में जो भी कॉलेज में जो फैकल्टी काम कर रही है, मैं तो उनको श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ कि वो काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हालत 1975 में जब मैं लेक्चरर था उससे बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि तब तो हमें यूजीसी स्केल मिला था। तो क्यों काम कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझा, उसका तो एक पूरी व्यवस्था से लड़ाई लड़ने की बात है। लेकिन पॉइंट है कि फिर भी ये पैशन मान के ही काम कर सकते हैं। उनका उसका जो उनका जो कार्य है उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जो उनको सैलरी मिले। ये उनके अंदर का जो व्यक्तित्व है और जो उनके अंदर जो एक लगन है ये उसका परिचायक है। इसलिए मैंने बहुत ही पहले भी कहा कि आई रेस्पेक्ट ऑल द टीचर्स एंड फैकल्टी कि वो हाउ दे आर डूइंग द वर्क, पर ये बात पेरेंट्स को समझ नहीं होगी क्योंकि जो जो पूरा व्यक्तित्व बनता है वो तो स्कूलों में ही बनता है। नहीं, मैं तो कॉमर्स एजुकेशन के कॉमर्शलाइजेशन के अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल, शुड नॉट बेसिकली लिंक द सैलरी विद द टीचिंग पे पैशन है। पैशन वो पैशन तो होना चाहिए, और अगर आप टीचर हैं तो वो बिना पैशन के तो टीचिंग इज यूज़। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो उसको सैलरी से भी हम लिंक ना करें, क्योंकि जो एक रैपो, जो एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है बच्चों और टीचर्स के बीच में, एंड दैट पेज जब हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा IAS बन के और वो उतर के कार से उतर के पैर छूता है, सो दैट गिव्स द सेटिस्फैक्शन बेसिकली द रोल ऑफ अ टीचर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जहां साहब आपने बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये तो बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं 45 साल हो गए काम करते हुए, और ये 2.5 साल का जो मेरा अंतराल है जो यहाँ बीता है वो मैं उसको सबसे सुखद अनुभव कहता हूँ, क्योंकि
जो सबसे बढ़िया अनुभव है, चाहे वो प्रिंसिपल कमिश्नर रहे हो कहीं के भी, लेकिन ये जो रोल मुझे मिला वो बहुत मुझे अंतर तक सुख देने वाला है, तो वो पैशन के बिना नहीं आ सकता। आज आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि 2500 में से 2500 बच्चा मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप से, तो उसके हर मैसेज का मैं जवाब देता हूँ अगर किसी का भी मैसेज कोई आ जाता है। तो ये जो पैशन और जिस तरह जो एक है मिशन होना चाहिए, आपकी बच्चों के लिए केयरिंग एटीट्यूड, दैट इज व्हाई द चाइल्ड इज अटैच्ड टू यू इमोशनली सोशली, अटैचमेंट इज देयर। तो वो चीज जो है वो जब तक आपके अंदर विलिंगनेस नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, डिवोशन नहीं है, वो नहीं आएगा। इसको कॉमर्शियल एस्पेक्ट से जोड़ के अगर हम नहीं देख सकते कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए इसलिए मैं काम करता हूँ, नहीं वो तो अब मिल ही नहीं रही COVID-19 में, तो वो भी नहीं मिल रहा। चलिए फिर समाप्त किया जाए, क्वेश्चन आपका नीना, आप टेक ओवर करें। Yes, sir. Thank you, sir, for making us aware with the latest technology and guiding us. And thank you, everyone. I feel privileged to introduce Mr. U.K. Jha, sir, Principal Choitram School, North Campus, and Chairperson Indore Sahodaya School, Campus. Sir, his overall experience of 21 years in the field of education, out of which 19 years as a principal. Completed MSc in Chemistry from Allahabad University, secured a position in the university, awarded by Government of Rajasthan, Rajshri Club, and Dainik Bhaskar for excellence work in the field of education. And under his supervision, school received International School Award by British Council, attended international workshop at Reading University and University of Wales, London, and Al-Fateh University, Finland. I request, sir, for concluding observations and recommendations. So please. Thank you for inviting me. Thanks a lot, IIST and group of institution, for giving me the opportunity to share my views. And I'm not going to talk about the digital pedagogy and the teaching learning by using ICT tools because the experts have already spoken about it. And I would just add this, that this technology enables the child to learn on his own, because a lot of material is available on website, internet, and informations are available how to assimilate it, how to learn those things properly, that the child is free. So it is this child-centric approach, the whole education, there is a paradigm shift in the world. And we know the technology we are using in every aspect of our life, whether it is teaching, whether it is marketing, whether it is banking, wherever. Without technology, we cannot move these days. So that is there. But the question which has come out, which our colleague Dr. Rajesh Sharma was also talking about, the present scenario of the COVID, where we all are struggling as the leader of the institution. Because the schools are closed and we are not sure when it is going to be open, and suddenly the education is transformed to the digital world, and without any training of teaching online, teachers are doing wonderfully well, and they have equipped themselves to communicate with the children the best possible way through various platforms, and teaching quite efficiently. And with online teaching, I would say the number of hours required to prepare your online session and then deliver it to the children, it is more than the offline classes when you go to the school and deliver your talk. So even though if this is the situation, the parents are not supportive and they don't want to pay the fee, and that would basically force the institution, how the institution is going to pay the salaries to the teachers. And the education system is in a great problem. So unless all the stakeholders, they have proper communication and they understand the problems of each other and come out with the proper solution of it, and then I think we should talk about the proper education, and then it could be revived in a better way. And the parents' role at this scenario, which I
was talking in earlier also to Mr. Bhatnagar, that is very important. What basically, how you are monitoring your child, what kind of values you are inculcating your child, because these days the child is in your position 24/7, and we are away. We could guide them only online, and this guiding does not help unless those practices could be imbibed. When as a role model, parents could show something to them that this has to be taken up this way. We have to respect our teachers, and we have to follow those instructions, whatever the teachers are giving. So it should not be one-way communication. Whenever I see online classes, monitor online classes, in the senior classes, I find that the children are keeping their videos off. And when I ask them why they do it, so they don't have any answer, because the teacher even asks in between, on your videos, on your cameras, but they refuse to do it. They don't answer anything on that. So even if they are there, so if the teacher will not get the feedback, this would be considered as a one-way communication. The teacher is delivering the lecture, and the teacher doesn't come to know whether the child has understood it well or not. And then comes to the assessment part, because now assessment is also very limited. We have to assess the child on Google Forms or some other way of assessment, even through WhatsApp. The child would write their answers on the question answer books and take the photo and send it to us. So, but ethics would be more important, because there are more chances of malpractices during this assessment process. So then all, the whole thing come back to the traditional value system, and that value system is very, very important, and the parents must understand it. It is not the number game, because we also come to know when the 10th class results declared by the CBSE, people were talking about which school has got highest percentage of marks in the city, the ranking and all. And this number game, everybody was adding the 6th IT subject and making the percentage to 99, which was not ethically correct, because you have to find out the percentage on the basis of 5 core subjects. So even as a leaders, when we are attracting the people on those number game, which is not true, because if the child has scored even less percentage, does not mean the child is weak. You have to trigger out his potential in a better way. And even many WhatsApp videos are coming up where people have got second division marks and they became the IAS officer. So it is not that. Everybody has that much of potential. Only thing is how you are going to trigger it out. So that is the responsibility of a teacher, to find out the potential of a child and to basically motivate and encourage the child to come out in the best possible way. So once again, because already it is too late, and I don't know how many teachers are attending it, and I would request everyone to take this teaching profession in a very passionate manner and give your best. Don't correlate it with the salary which you get, and even if there is some slashing in your salary in the present scenario because of the non-payment of the fee by the parents, you have to give your 100% to the children, because I don't want there should be any creation of educational gap. If there will not be any teaching, there would be a gap created, and that won't be filled up in coming months and years. So to avoid that gap to happen, and continue your hard-working habits and give your best to the children and keep the education alive, because that is the only brick on which the whole institution could be constructed. So give your best and do your best. So I hope we all it was a wonderful session on the online digital schools and all. And Mr. Bhatnagar has very beautifully explained all those processes. And I have also noted down certain features out of it.
And it would be very useful for teachers to inculcate those ICT tools into their teaching and learning process and make their teaching very effective so that the children would also have interest in learning. And ultimately, the goal, what we basically thinking of to provide better education to children would be fulfilled. Thank you so much, IIST Group of Institutions, for inviting me. And I like the whole session. And that's all from my end. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Joseph. Thank you. Now, it's my honor to introduce Dr. Rajesh Sharma, sir, Principal Pal Bhavan School, Bhopal, and President Sahodaya Group of CBSC, Bhopal, a teacher by choice, psychologist, and counselor by training, and principal by profession. Started teaching career from A4 School, Gwalior, as PGT Psychology and School Counselor, 1998. CBSC Master Training Empowerment for CCE Life Skills Gender Sensitization Classroom Management Happy Classroom Remodeled Assessment System Career Guidelines. Sir's achievement in the form of awards, to name them few, are Best Teacher in 2003-04 at A4 School, Gwalior, Computer Literacy Award to School by GUI by President of India, late Dr. APJ Abdul Kalam, sir, Chairman, CBSC Appreciation for National Sahodaya Principal Conference, Bhopal, founder, organizer of Global Teachers Meet in the year 2017 at Bhopal, School Leadership Award by Digital Learning Magazine, Indore, Shining Star Award in Education presented by Lions Club, Remembering Bhopal, Principal of the Year Award 2019 by Global News Tele. Sirs has deep interest in adventure, sports, trekking, music, drama, and counseling. I request, sir, for concluding observations and recommendations. Sir, please. Thank you so much, ma'am. And I must congratulate Professor Bhatnagar and IIST for conducting such a very, very useful webinar, because this was many of the teachers, I'm sure thousands of them have participated. They were looking forward to the resources. And with that, I remember, you know, one thing, what Alvin Toffler wrote around 45 years back, that the 21st century illiterates will not be the people who don't know how to read and write. It is the people who cannot unlearn, learn, and relearn. And that's where I'm sure Dr. Srivastava also told that technology will not replace the teachers, but the teachers who know the technology will replace the teacher who do not know the technology. And for this conduction, I must, sir, grateful as well on the behalf of teachers and the participants. It was great learning even for me, because it kind of tools they require to they know. And I think the best part would be on online classes, concept can be made clear. And the teacher, one thing which I learned, they have to relate their lesson to daily life situation. If they connect it to the daily life, surely it will be interesting and the kids will listen to them. Plus, my request is include 2-minute story as well in your period. So that's all, sir. Once more, I'm really honored and privileged to be part of here and to listen to such a fantastic informative session. Thank you so much. And once more, congratulations for conducting it. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Showing gratitude is one of the simplest yet most powerful things humans can do for each other. With this quote, may I request Principal IIST, Dr. Keshav Patidar, sir, to express vote of thanks. Sir, please. May I audible? Yes, sir. Good afternoon to all of you. We are very much fortunate to have such eminent persons from academia with us. I'm sure that all the participants must have benefited a lot by attending this webinar. It is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. On behalf of IIST, IIP, and IIMR, I extend our most sincere thanks to our Honorable Vice Chancellor of DAVV University, Dr. Renu Jain Madam, Chief Guest of the event, for accepting our invitation and giving opportunity for interaction with you and enlighten all of us about your views on such important topic. My sincere thanks to our chairman, sir, for motivation and all the support for this webinar,
I want to thank our guest of honor, Dr. Anil Sharma, Registrar DAVV, for accepting our invitation and giving us time from his busy schedule and valuable inputs on the topic. I extend my most sincere thanks to Sri Arun S. Bhatnagar, sir, Director General, IST, IIP, IIMR, for his guidance and wonderful session on digital pedagogy and providing full support for conduction of this event. Most important, our sincere thanks to our guest speaker, Professor Niranjan Srivastava, sir, Head Computer Science, DAVV, for his very interesting session and for your all-time support, sir. We extend our sincere gratitude to Sri UK Jha, sir, Chairperson, Indore Sahadaya School Complex, and Dr. Rajesh Sharma, sir, President of Sahadaya Group CBSE School, Bhopal, for giving us time and for your views on the topic. I also take this opportunity to extend our most sincere thanks to all the principals and teachers from various schools for your participation and support for this event. On behalf of all the institutes, I want to assure you all that we are ready to help you on any technical issues related to online teaching. At the last but not the least, I want to thank each member of organizing team and all the faculty members for their sincere efforts to make this event successful. I once again thank everyone whose contribution has made this event a successful event. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. So here we end up with the session. Thank you. Thank you all. Thank you.